बहुत पीछे भेज दिया आपने मुझे। पुरानी यादें हैं, बचपन की यादें। पापा ने जब, मैंने कहा ना कि निकाल दिया था मुझे घर से बाहर, तो मैं एक डेढ़ हफ्ता अपने एक वर्कर के यहाँ रहा। अच्छा। वो बिहार से था और अशोक नाम था उसका। मतलब आपको भी एक जिद थी कि मैं अपने आर्टिस्ट को जिंदा रखूंगा। हाँ, ये मैं और बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि क्रेजी होके मत आइए आप। ये दुनिया ऐसी, जब तक आप उसके बिना नहीं, दुनिया ऐसी है कि इसमें ये मत सोचो कि हमारा नाम होगा, हम फिल्मों में करेंगे ये और पैसा आएगा, ये सब चीजें नहीं नहीं इसमें पकड़ होके, फकीरी होके, फकीर बन के आप आ जाइए। इसमें सिर्फ कला, वही मैं कह रहा था कि आप जो बात करेंगे बहुत ईमानदार आर्टिस्ट वाली बात है। इस दुनिया में पता नहीं है कितना पॉसिबल है। तो रेडियो पर जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं तो आवाज ही सब कुछ होती है आपके लिए। बस एक आवाज है जिसके जरिए सारा कुछ यकीन दिलाना है। ना मेकअप है, ना गेटअप है, कुछ नहीं है। वहाँ आपने बहुत दिनों तक काम किया है। मैं चाहता हूँ वो जो आवाज की दुनिया थी जिसको आपने स्टेज की तरह से खेला है जहाँ जाके, उसको हमारे लिए याद करें। आप टीवी पर या फिल्मों में आप दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ हमें शब्दों से वो विजुअल देना होता है। जैसे अरे ये रात में सामने से कौन चला रहा है, शॉल पहनकर हाथ में डंडा लिए, साया सा, वो एक विजुअल आप क्रिएट कर रहे हैं। जो सोसाइटी है वही हमारा सिनेमा दिखाता है, या उसका अक्स है या आईना है एक तरह से। लेकिन क्या OTT के आने के बाद ये बात ज़्यादा रियल OTT के लिए हो गई है, या यहाँ इसके लिए ज़्यादा एक तरह से बामानी हो गई है? नहीं नहीं, आपको साधन मिलेंगे, नई नई चीज़ें, तो उसके रूप में एक ये क्रांतिकारी बदलाव ये हुआ कि OTT के रूप में आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिला। और शायद कंटेंट के लेवल पर भी अपने देखने वाले एक अपनी चॉइस है, जिसको पहले आप अश्लील बस, कहते बस, थे। वही चीज़ है। बहुत बहुत स्वागत है और इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अदबिस्तान में। और इससे पहले कि हम आपकी फिल्मों पे बात करें, चाहे वो आंखों देखी से की बात हो, या फिर दम लगा के हैसा की बात हो, या अभी लास्ट में अगर हम फोन बूथ की बात कर लें, या फिर आपकी रेडियो की यात्रा पर बात करें, या स्टेज की दुनिया पर बात करें, हम उन तमाम पहलुओं पर आना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक आर्टिस्ट की यात्रा को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जैसे मैं जहाँ तक सर्च कर पाया या आपके बारे में देख पाया, तो मुझे पता चला कि आपकी पहली मुलाकात जो है आर्ट से, एक तरह से कोयले के ज़रिए होती है, कि कोयला लेकर चित्रकारी शुरू कर। अरे हाँ, बिल्कुल। तो वो जो चित्रकार है, मैं उस चित्रकार की यात्रा जानना चाह रहा हूँ कि वो कैसे हम तक पहुँचा, और उस मतलब ये जो है फिल्मों की दुनिया हो या रेडियो की दुनिया, हम उस पर अलग से सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि वो कोयले वाला जो चित्रकार है, जो बच्चा है, आप उसको याद कीजिए हमारे लिए। बहुत पीछे भेज दिया आपने मुझे। पुरानी यादें हैं, बचपन की यादें। वो बहुत छोटा था मैं, इतना मुझे तो धुंधली यादें हैं। वो इतना छोटा था कि उस समय कोई ये कह नहीं सकता था कि वो बच्चा कुछ बना भी लेगा, कुछ चित्रकारी भी कर लेगा, जहाँ बच्चे उस समय खेलते ही हैं बस। तो मेरी ना हर चीज़ को जानने की एक जिज्ञासा बनी रहती थी, तो बहुत जिज्ञासु था मैं बचपन से और अभी भी हूँ। तो उस समय कुछ भी देखता था तो उसको देखता रहता था, ऑब्जर्व करता था, क्या है, क्या कैसा, ये चीज़ क्या है। बादलों में देख रहा था, उसमें मुझे कुछ तस्वीरें दिखती थी दीवार में। आपने देखो पहले वो होता था, क्या कहते हैं, कूची से सफेदी हुआ करती थी चूने वाली, तो उसमें कुछ चीज़ें आकृतियाँ बन जाया करती थी। तो मैं क्या करता था, कुछ जो मेरे को दिखता था ना, कुछ कोयला उठाया या कुछ भी उठाया, उससे ना उसको उकेर लेता था और कुछ एक आकृति निकल के आ जाती थी। तो फिर धीरे धीरे मेरे अंदर अपने आप ही स्वतः ही चीज़ें बनने लगी, कि कुछ भी पेंटिंग कर देता था, कुछ मतलब विजुअल्स ऐसे ऐसे बनते थे, उनको मैं कागज़ पर या दीवार पर ही कोयला लेके उकेर दिया करता था। अच्छा, मैं इसलिए भी ये पूछा आपसे भैया, आपके बचपन को याद करने के लिए मैंने कहा कि मुझे असल में ये भी समझना है कि वो कौन सा माहौल रहा होगा जहाँ आपकी परवरिश हुई होगी, या वो कौन सी जगह रही होगी जहाँ आप पले बढ़े हैं और उस तरह से तालीम और तरबियत होगी। तो मैं उस माहौल को भी जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। मेरे फादर
मथुरा से थे, मम्मी मेरी फतेहपुर सीकरी से थी, आगरा जिला आगरा। तो पापा मथुरा से दिल्ली आ गए थे, मतलब मेरे जन्म से 5-6 साल पहले या हो सकता 10 साल पहले ही हुआ थे। तो मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ था। हमारा घर एक बिजनेस फैमिली था, मेरे दादाजी जो थे मथुरा के एक नामी ग्रामी व्यक्ति थे, उनका लकड़ियों का काम था, उनके बिजनेस बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। अभी भी अब तो सारा खानदान में चांदी का काम होता है। अच्छा, तो पापा अलग निकल कर आए उस अपने काम से, फैमिली वाले काम से। वो उन्होंने कपड़े के काम में कुंदल चुना, दिल्ली में आके उन्होंने कपड़े का काम किया। तो रेडीमेड गारमेंट्स का यहाँ पर गांधीनगर में जी बहुत बड़ी मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी, तो वहीं पर पापा ने पहले किराए पे रहे। जैसे कि होता है कि आदमी जब बाहर से आता है तो धीरे धीरे किसी शहर में जमता है, तो फिर वो धीरे थोड़ा उन्होंने यहाँ ज़मीन ली वहीं गांधीनगर में, उधर ही कृष्णनगर के पास। तो वहाँ मकान बनवाया, वहाँ मेरा जन्म हुआ। हम घर में 6 भाई बहन थे, जिसमें से मेरे बड़े भैया की डेथ हो चुकी है। तो हम 6 भाई बहन, मतलब 2 भाई हम जो लास्ट के थे वो हम उस घर में जन्मे थे। तो बड़े भैया और बड़ी बहन मेरी मथुरा में जन्मी थी, बाकी सब लोग जो वो दिल्ली में। तो इस तरीके से हमारा एक कहा जाए तो बिजनेस फैमिली थी। पापा ने यहाँ बिजनेस सेट किया रेडीमेड गारमेंट्स का, अशोक गली एक मानी हुई मतलब वो जगह है जहाँ से पूरी एशिया से लोग आते हैं। तो काम तो अलग था बिल्कुल एकदम, तो पापा भी यही चाहते थे कि मैं। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे जाएं, उससे पहले थोड़ा और रोकूं आपको कि इस बीच में मतलब क्या पढ़ाई लिखाई हो रही थी, कौन तालीम का क्या। हाँ, मैं वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो हम वहाँ पढ़ाई अपनी जैसे स्कूलिंग की मैंने वहीं से, डीएवी स्कूल मेरा स्कूल का नाम था। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते स्कूल की बात मैं अगर करूँगा, मैं एनुअल फंक्शन हुआ करते थे पहले उस टाइम पर, साल में मतलब हर स्कूल करता था उस टाइम पर। तो उन फंक्शंस में नाटक हुआ करते थे। अच्छा। डांस हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़ें जो एक तरह से आप ये कहें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, और बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता सब। तो मैं इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करता था, मतलब मेरा वही जो मैंने बताया कि आर्ट, एक आर्टिस्ट था जो अंदर से वो मेरा स्कूल में ही शुरू हो गया, वो पनपना शुरू हो गया था। तो वहाँ मैं डांस, अच्छा, गाना, एक्टिंग, मतलब एक हमारे एक टीचर थे वो मेहता जी, वो ये सब करवाया करते थे। तो नाटक किया मैंने। अच्छा, इन सब के पीछे कहीं से फिल्मों का कोई असर नहीं था या नहीं? नहीं, 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 फिल्मों का कोई असर नहीं था, मतलब ये अंदर सब अंदर से हो रहा था। हाँ, अंदर से कुछ हो रहा था। फिल्म तो मैंने एक देखी थी, थोड़ा जब थोड़ा बड़े हुए, पहले फिल्मों को ये था कि मम्मी पापा के साथ ही जाते थे, तो मम्मी पापा भी फिल्म में कौन सी दिखाते थे, जय संतोषी माता या कुछ ऐसी। और मैं एक दिन बहुत जब फिल्मों को ये माना जाता था कि यार फिल्म देखने आप चारों बिगड़ जाओगे, पढ़ाई करो, फिल्में नहीं देखने। तो स्कूलिंग के टाइम पर आप फिल्में नहीं देख सकते थे। मैं चुपके से भाग कर एक फिल्म देखने गया था, कालीचरण। तो उसमें जब टिकट पकड़ी गई थी मेरी जेब से, मम्मी ने कपड़े धोते समय टिकट निकाल के देखी, ये तो फिल्म की है टिकट। पापा को बताया कि ये फिल्म देख क्या है, तो पापा ने ऐसी कहा, सो रहा था, बॉबी कहा जाता था मुझे घर में, मेरा निकनेम था बॉबी, बॉबी चलो फिल्म देखने चल रहे हैं। मैंने कौन सी, कहते कालीचरण, मैंने देखी हुई है। अच्छा, कहते उठो अब खड़े हो जा। कहा देखिए, कहते नहीं नींद में आदमी बोल देता ना सच्चाई। हाँ। तो अचानक मेरी आँख खुल गई, और अब बताओ कहाँ गए थे तुम फिल्म में। तो फिल्मों से तो ये था कि फिल्में नहीं देख पाते थे, टीवी था, वो टीवी भी तब इतने हर घर में नहीं हुआ करता था उस तरह से। हाँ।
तो उस पर भी दूरदर्शन ही चला करता था। तो फिल्मों से नहीं था वो, एक स्वतः एक आर्टिस्ट मतलब था जो अंदर ही से हो रहा अंदर से था। मतलब ये कहा जाएगा कि वो किसी और चीज का, फिल्मों का जो क्रेज होता है उससे नहीं आया था मैं। ये तो मन में मेरे अपने आप ही एक बेचैनी सी होती थी कि मैं कहीं टिक नहीं पाता था, ऐसी जगहों पर ही ज्यादा भागता था जहां कुछ क्रिएटिव होता हो। अब पापा ने कोशिश भी की थी, जब मैंने 12th में आया था तो उन्होंने मेरे लिए फैक्ट्री खोल दी थी। अच्छा, कि आप इसे संभालो, पढ़ते भी रहो, कॉलेज भी जाओ और ये भी साथ साथ ये करो। लेकिन मैं फैक्ट्री छोड़ के भाग जाता था थिएटर के लिए, वो मैं बताऊंगा अभी। तो इससे पहले ये था कि मैं स्कूल में क्या करता था, स्कूल में मैंने एनुअल फंक्शंस में बहुत भाग लिया। मैं एक तरह से आप ये कहिए मैं खिलाड़ी भी बहुत अच्छा था। मैं खो खो का चैंपियन था, मैं दौड़ में था, मैं फुटबॉल में था। मतलब मैं स्कूल में हर इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया करता था। और बहुत ये मान लीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं जो नाम से ही पहचाने जाते हैं कि श्रीकांत, हाँ। श्रीकांत अच्छा, वो एक तो नाम ही मेरा ऐसा था कि पूरे स्कूल में एक ही था जी। दूसरा मैं इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ था तो पूरे स्कूल में लोग जानते थे मुझे और बहुत प्यार किया करते थे। तो मेरे एक टीचर थे जो मुझे एक कंपटीशन में ले गए थे, मैं पेंटिंग किया करता था तो वहाँ मैंने कई अवार्ड भी लिए। तो पेंटिंग मेरी उसमें बहुत अच्छी थी, मैं पता नहीं वो अपने आप ही था, मैंने कहीं से सीखा नहीं। अच्छा, था तो मैं स्कूल में क्लास में बैठे हुए पढ़ाई चल रही है और मैं टीचर का पोर्ट्रेट बनाकर और मैंने चुपके से वहाँ रख दिया टेबल पर। उन्होंने पलट के देखा, श्रीकांत खड़े हो जाओ, उनको पता था कि ये यही कर सकता है, बस खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया, उन्होंने मेरे हाथों पे डंडे मारे, बाहर निकले। मैं थोड़ा रुआंसा सा गया, मैं सर कहते बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा बनाया, मेरे को गले से लगाया। मैंने ये क्या कर रहे हैं आप, वहाँ मार रहे थे आप, यहाँ मुझे प्यार कर रहे। कहते देख बेटा, जब मैं पढ़ा रहा था तब तू ये बना रहा था लेकिन तूने बहुत अच्छा बनाया है और इसीलिए मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ। वही मुझे फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते थे। अच्छा, वो बहुत आजकल के टीचर्स में मैंने ये चीज़ें नहीं देखी। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि स्कूल टाइम से मेरा ये सब स्टार्ट हुआ चलना। तो वो धीरे धीरे करते करते आगे और बढ़ती गई चीज़ें। हमारे स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम था संजीव बाली। संजीव बाली उस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव था, उससे सीनियर था। संजीव उनमें एक ही तरह से ये मान लीजिए वो सीनियर में और मैं जूनियर में, दोनों का नाम था स्कूल में और दोनों ही अच्छे कलाकार माने जाते थे मतलब, और खिलाड़ी भी थे। तो वो यहाँ शायद श्रीराम सेंटर से ही करके गया था उसने किया, बट 12th में था उस टाइम पे और वो मुझसे सीनियर था। तो दो साल पहले वो निकल चुका था, वो यहाँ आया था। तो मुझे पता चला कि कुछ थिएटर कुछ करता है, तो मैंने उससे पूछा भाई मुझे भी करना है ऐसे। मुझे श्रीराम सेंटर का उसने कहा कि नहीं, उसने मुझे कहा था NSD का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। और मैं ढूंढता हुआ आया यहाँ, मुझे पता चला कि उस मैं NSD की जगह चला गया श्रीराम सेंटर। वहाँ मुझे उन लोगों ने फॉर्म दे दिया, नया था, कुछ पता था नहीं कुछ भी। तो वहाँ मैंने फॉर्म देखा, 6 महीने का हुआ करता था उस समय वो कोर्स। ये 1990 की बात है, 89 या 90 की, उसकी बीच की बात। तो किसी ने मुझे, वहीं पर कोई था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, छोड़ो ये सब चीज़ों में, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं, उनमें आप जाओ, उनके साथ आप जुड़ो। तो मैं फिर वहाँ वो छोड़ दिया, मैंने नहीं किया श्रीराम। उसमें फिर मैं ग्रुप्स ढूंढने लगा, तो बहुत से ग्रुप थे उस समय। अंकुर जी का भी चल रहा था, अवतार सानी जी का भी था ग्रुप, एक्ट वन भी हुआ करता था। अच्छा, मैं चाह रहा था इधर आना लेकिन आप चले गए, लेकिन मैं थोड़ा और पहले लेके आना चाह रहा हूँ आपको कि आप स्कूल में हैं या उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, तो स्कूल की सतह पर अगर आप कोई एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं या कुछ कर ले रहे हैं तो घर वाले उसको ठीक है किसी हद तक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उससे निकलते हैं या आप कहीं ना कहीं प्रोफेशनल दुनिया की तरफ जाने लगते हैं, इसको बनाने लगते हैं, तब घर से एक रिएक्शन मिलता है।
मैं चाहता हूँ वो कैसा रिएक्शन था घर में, किस तरह से लिया गया। अरे वो तो हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ पहले उस तरफ आए फिर। हाँ, मैं, जी जी, वो आपने सही लेकर आ गए आप मुझे वापस, वो बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे आज से 25-30 साल पहले, 30 साल पहले इन सब चीज़ों को ना घर वाले नहीं समझते थे। अच्छा बिजनेस करो या कोई अच्छी नौकरी करो, आप ये वो कहते थे भांडो वाला काम क्यों कर रहे हो। भांडो एक्जेक्टली यही शब्द है जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये इस्तेमाल होता रहा है, नचनिए गवनिए भांड, इस टाइप के संबोधन थे। और पापा ने कहा ये क्या तुम इसमें भांडगिरी में तुम जा रहे हो, क्या नौटंकी वटंकी ये सब। सही बात, अपना काम करो, इतना अच्छा काम है अपना, बिजनेस है। उस समय मेरे पास बहुत सारे वर्कर थे, कम से कम 15-20 के करीब। तो उसी टाइम पे पापा ने मशीनें लगा के मुझे दी थी, तो अच्छा पैसा आ रहा था। पापा नहीं चाह रहे थे कि मैं ये सब चीज़ें छोड़ के वहाँ जाऊँ, तो घर से तो मुझे बिल्कुल मनाही थी। यहाँ तक था कि पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, कि अगर तुम्हें करना है तो जाओ। ये तब की बात है जब मैं भी वहीं पर आ रहा था, जब मैं यहाँ ग्रुप्स में जब गया, ग्रुप्स में ज्वाइन कर रहे थे। हाँ, ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहा था। अच्छा, उससे पहले 12th के बाद जब मैं कॉलेज किया, मैंने एक साल मैंने किया। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे, जरा सा सवाल नहीं वजाहत के, पढ़ क्या रहे थे आप, मतलब आर्ट्स में क्या था या साइंस में क्या था या कौन सा सब्जेक्ट था? नहीं, आर्ट्स था। हाँ, और उसमें मैंने जब अपने कॉलेज एक साल मैंने रेगुलर किया था, उसके बाद मैंने कोरेस्पॉन्डेंस किया क्योंकि पापा ने मुझे वो लगा दिया था। हाँ, फिर मैं KMC में, हमारे वहीं पर ही क्लासेस होती थी करोड़ीमल, तो करोड़ीमल वहाँ मैं जाया करता था। तो उस समय मैंने वहाँ थिएटर में, यहाँ मंडी हाउस में किया करता था ग्रुप में। तो ये जो सारी चीज़ें थी, घर का काम भी, थिएटर भी, पढ़ाई भी, ये सब चल रहा था। तो इसी बीच पापा भी, मतलब उनका अपना एक उनका एक अपना वो था कि ये क्या है, आप इस तरफ ध्यान नहीं आप देते। फैक्ट्री में होता ही था, मैं रुक नहीं पाता था। अब बिना मालिक के तो चले ही नहीं फैक्ट्री, तो वर्कर्स भी बोलते थे भाई साहब तो चले जाते हैं। मैं उसके साथ 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 करते 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 इस तरीके से, पापा ने जब मैंने कहा ना कि निकाल दिया था मुझे घर से बाहर, तो मैं 1.5 हफ्ता अपने एक वर्कर के यहाँ रहा। अच्छा। वो बिहार से था और अशोक नाम था उसका, मैं वहीं रहता था उसके यहाँ और थिएटर चला जाता था। पापा भी ढूंढ रहे थे कहाँ है वो, मैंने कहा था बताना मत, बाद में थोड़ा सा उनको, मतलब आपको भी एक जिद थी कि मैं अपने आर्टिस्ट को जिंदा रखूंगा। हाँ, मैंने कहा कि वो मान जाएंगे, मैं उनको समझा दूंगा, लेकिन पापा बिजनेस को ही लेकर अड़े हुए थे। पर मैंने भी जिद क्या, मुझे किसी ने बोला था कि तुम 6 महीने इसको छोड़ के देखो। अच्छा, जो मतलब स्टेज की थिएटर को, स्टेज की दुनिया को, यानी इस अपने अभिनय कला को। अच्छा, अभिनय कला में मैं इसलिए आया था, पहले मैं फाइन आर्ट का कोर्स करना चाह रहा था क्योंकि पेंटिंग से शुरुआत हुई थी, लेकिन मैंने जब ये थिएटर की तरफ नाटक किया, स्कूल में किया, फिर बाद में मैं थिएटर को जाना मैंने थोड़ा, तो मैं इसलिए आया क्योंकि इसमें सारी कलाएं, आप मतलब आप देखेंगे थिएटर में गाना भी है, थिएटर में नाचना भी है, थिएटर में अपना पेंटिंग भी है क्योंकि बैकग्राउंड में जो लगता है जी, थिएटर में सारी कलाएं नहीं है, म्यूजिक भी है एक तरह, सारी कलाएं, स्टोरी टेलिंग है, हाँ, सब। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी है, इसको करते हैं, ये तो एक पैकेज है मतलब। तो मैंने जब उसमें क्या, तो मन ऐसा रमा, किसी ने कहा अगर तुम क्रेजी हो तब पता चल जाएगा, और अगर तुम वाकई में इसके बिना अगर नहीं रह सकते, तुम्हें लगे कि तुम इसके बिना जिंदा रह ही नहीं सकते यार, घुटन हो रही है, तो आ जाना सब कुछ छोड़ के, नहीं तो ऐसे ही मत छोड़ो कुछ, अपना काम करो फिर। यही मैं और बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि क्रेजी होकर मत आइए,
आप ये दुनिया ऐसी, जब तक आप उसके बिना नहीं, दुनिया ऐसी है कि इसमें ये मत सोचो कि हमारा नाम होगा, हम फिल्मों में करेंगे ये और पैसा आएगा, ये सब चीज़ें नहीं नहीं इसमें पकड़ होके फकीरी होके फकीर बन के आप आ जाइए, इसमें सिर्फ कला। वही मैं कह रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं बहुत ईमानदार आर्टिस्ट वाली बात है, इस दुनिया में पता नहीं है कितना पॉसिबल है अब। नहीं बिल्कुल ये हाँ। ये मैं ये मेरे अंदर था, मुझे जब मैंने बता मैं बता रहा था कि किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि तुम 6 महीने छोड़ के देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके बिना जिंदा रह सकते हो तो मत आना, छोड़ देना, तब कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके बिना नहीं जी सकते तो वापस आ जाना, सब छोड़ देना। मैंने 6 महीने छोड़ा, अपना काम किया, मगर बेचैनी होती थी, मैं अंदर से घुटन महसूस होती थी, मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ, मेरा काम कुछ और है। हो सकता है उस ऊपर वाले ने मुझे बना के ही भेजा है, जो मेरे अंदर ये चीज़ इनबिल्ड है, बाय बर्थ वो चीज़ है, तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा उसका, कहीं ना कहीं तो कुछ है, उसको पूरा करना पड़ेगा। और आ जाओ सब छोड़ के, तो मैंने मेरे दिल ने कहा मैं आ गया। फिर पापा भी एक टाइम पे उनको भी लगा यार ये नहीं मानेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है अब तुम जो करना है करो, हम तुम्हें एक पैसा भी नहीं है। तो पैसा मुझे पापा की तरफ से कुछ नहीं मिलता था, ठीक है मैंने नुक्कड़ किया। अच्छा नुक्कड़ नाटक ये थिएटर से पहले? हाँ या साथ साथ नुक्कड़, अब उससे थोड़ा सा पैसा आता था, तो अमिताभ उद्गाता जी थे उनके उनका एक नुक्कड़ मंडली थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे, ये सब दिल्ली में हो रहा है? अरे सब दिल्ली, तो रंजीत कपूर जी की साली हैं वो, अनु कपूर जी के भाई जो है रंजीत जी, तो रंजीत जी की साली अमिताभ उद्गाता जी शायद अब मेरे ख्याल से नहीं रही हैं वो, तो उनका उनका एक ग्रुप था, उसमें नुक्कड़ किया करता था, कुछ पैसे आते थे उस समय चलता, इसी बीच में मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा, वो मम्मी की तबीयत खराब रहा करती थी तो इसलिए, अच्छा ये आम तौर से होता है हमारे घर में, जबरदस्ती हुई चीज़ें कि नहीं नहीं आप शादी आप कीजिए, ये अब मैं नहीं करना चाह रहा था, मगर ठीक था, अच्छा था, मैंने एक ये निर्णय भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि वाइफ मेरी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा साथ दिया, बहुत साथ दिया मेरा, और वो एक प्रेरणा बनी है मेरी अभी भी। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ एक भाग्य जुड़ जाता है, तो जित आप शादी को हम ये ना माने कि वो एक बंधन है या बंदिश है, आप अगर ईमानदार हैं अपने काम से तो आप थिएटर में भी कमा लेंगे, आप वो सब चीज़ें, लेकिन आप खुश रहना सीख लीजिए, आपकी इच्छाएं आपके एक्सपेक्टेशंस वो जो होती है ना वो आपको दुखी करती हैं, अगर आप जो मूलभूत चीज़ें हैं जो ज़रूरतें हैं वो आप लेकर चलें और अपना काम करते चलें जो आपका मकसद है तो कभी दुखी नहीं होंगे, खुश रहेंगे। तो मैंने वही किया, वाइफ को भी कहा कि आप साथ देना मेरा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं हूँ साथ में, मतलब जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। हाँ, तो जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी थी, तो अब थिएटर करना, परिवार को चलाना, सर्वाइव, सबसे बड़ा सवाल यही आया था सामने, हो सकता है कहीं छोड़ ना दो, जिम्मेदारियां कहीं छुड़वाना दें, और छूट गया तो फिर वही कि मन में मलाल, जी नहीं पाएंगे, एक तरह से ढोएंगे फिर जिंदगी को। तो मैंने उस समय कुछ ग्रुप्स के साथ मैं काम किया करता था, उन ग्रुप्स के बाद मैंने अपना भी एक ग्रुप बनाया था। जी, क्या था वो ग्रुप? कॉमन पीपल्स के नाम से, जिसमें संजीव कांत, मैं और वेणुगोपाल, हम तीनों ने उसको फाउंडर थे हम उसके, वो अभी भी चल रहा है। अच्छा, तो उस ये शादी से पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, इसके बाद शादी हुई थी मेरी, तब हुई थी जब मैंने श्रीराम सेंटर ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। 8 साल मैंने वैसे किया बाहर, फिर उस ग्रुप्स के साथ, 8 साल तक ग्रुप्स के साथ किया। हाँ, फिर उसके बाद मैंने श्रीराम सेंटर 97-98 में मैंने उसको किया था, 98 to 2000। अच्छा, तो उस समय मुझे किसी ने कहा था कि एक ठप्पे की बहुत ज़रूरत है, कि आपको कहीं ना कहीं आपका एक इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी, तभी आप एक, क्योंकि लॉबी
हर जैसे FTII की उस समय बंद हो चुका था, उस समय तो नहीं था, सन 2001 में शायद दोबारा से हुआ था वो एक्टिंग के लिए, FTII तो नहीं था उस समय, FTII में सिर्फ डायरेक्शन और बाकी सब चीज़ें चल रही थी, ये नहीं था, एक्टिंग का बंद हो चुका था वो, फिर बाद में 2000 के बाद चालू हुआ था। उस समय कुछ इंस्टीट्यूट्स थे जैसे NST था, श्रीराम सेंटर था, BNA था, तो इनमें से किसी एक का कोई एक ठप्पा होना चाहिए कि आप कहाँ से हो, तब आप एक अच्छा लेवल का कर लेंगे काम, नहीं तो MHO ग्रुप्स में ही आप फिर करते रहेंगे। तो अब थिएटर उस समय तो दिमाग में थिएटर था ना, थिएटर अच्छे स्तर पे करना है जी, तो मैंने श्रीराम सेंटर ज्वाइन किया और उसमें मैं भी 2 साल का कोर्स था। तो करते करते उसमें उस समय शादी भी हो चुकी थी, सब चीज़ें जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही थी, मैंने रेपेट्री अच्छा वो भी ज्वाइन किया, ज्वाइन किया वहाँ का साहित्य कला परिषद का। अच्छा, यहाँ से पास आउट हो साहित्य का कला परिषद में मैं 1 महीने रहा, 25 दिन रहा था शायद, वहाँ की तनख्वाह भी नहीं ली थी मैंने। अच्छा। छोड़ के आ गया था क्योंकि मैंने यहाँ भी फॉर्म भर दिया था श्रीराम में, तो श्रीराम में फिर मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मैं वहाँ से 1 महीने बाद यहाँ आ गया था श्रीराम सेंटर में। तब से मैं 2014 तक रहा श्रीराम सेंटर की रेपेट्री में। तो उस रेपेट्री में ये था कि मेरी शुरुआत हुई थी 4,500 रुपये से स्टार्ट हुआ था। ये कब की बात होगी? ये 2000 की बात है। तब उसमें ही पूरा परिवार चलाना होता था सबसे, उस समय एक ठीक था कि हाँ आप परिवार को चला सकते हैं। पापा की तरफ से कुछ नहीं मिलता था मुझे उस टाइम तक, तो वो तो उन्होंने ठान लिया था कि आप खुद करो, वो चाहते थे कि ये परेशान होकर आएगा दोबारा से आएगा, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि नहीं, मैं इसी से कुछ ना कुछ मैं करूँगा। तो मैं वहाँ रेपेट्री में मेकअप मैंने संभाला हुआ, तो मैंने मेकअप अपने उस दौरान सीखा था। अच्छा, आप मेकअप भी? जी जी, दमनिया जी से। तो दमनिया जी बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट थे यहाँ के, दिल्ली के, उसमें अपना दिल्ली के जो मीडिया थे, जो दिल्ली में जो भी दूरदर्शन या इनके जो बनते थे, उसमें दमनिया जी का नाम था। तो दमनिया जी ही हमारे श्रीराम सेंटर में भी आते थे, वो क्लासेस लिया करते थे क्योंकि थिएटर में मेकअप की क्लासेस भी होते। तो मैं वही चित्रकारी किया करता था, पेंटिंग किया करता था, तो मेकअप भी एक तरह से पेंटिंग की तरह ही होता है, आप चेहरे पे एक कैनवास की तरह चेहरा होता है उसको आप बनाते हैं। तो मैं उनसे सीखा, सीखने के बाद जब रेपेट्री में आया तो मैंने मेकअप का ही डिपार्टमेंट संभाला था। तो उससे हुआ ये कि मेरा मेकअप इतना सही था कि मतलब मेकअप करने लगे थे। फिर नहीं हुआ क्या कि कुछ दोस्तों ने मुझे कहा, यार श्रीकांत हमारे एक नाटक में आ जाना, मैं चला जाता था करके आ जाता था। तब मुझे किसी ने कहा कि यार तू उसको प्रोफेशनल भी, मतलब प्रोफेशनल इसको बना सकता है एक साइड में, इससे भी कुछ पैसा आ जाएगा। तो मैंने ठीक, ये भी सही बात कही। तो एक किट छोटी सी बना ली थी मैंने थिएटर में, मैं जैसे किसी का नाटक हुआ करता था तो वो लोग बोलते थे, मैं यार ये जो सामान लिया है इसका और कुछ, मतलब आप लोग मुझे दे देना। उन्होंने कहा हाँ, हम बाहर से बुलाते हैं, इससे अच्छा तुम ही आ जाना। तो क्रेव वर्क ये सब चीज़ें मैं क्या करता था, वो भी मेरे एक आय का साधन हो गया था। अच्छा, मतलब साइड में, तो वहाँ से मुझे मिल जाया करता था। इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके अपना गुजारा कर रहा था और अपना कला से जुड़ा हुआ था, सर्वाइव का मेरा चल रहा था, वरना वो टूटता तो मैं टूट जाता। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई मुझे कि किस तरह से आपने अपने अंदर के आर्टिस्ट को जिंदा रखा है, या सर्वाइव आप जिसको कह रहे हैं कि वो किया है उसने। लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि इस पूरे दौरान जब आप स्टेज पर थे, जब आप नुक्कड़ कर रहे थे, तो वो कुछ हमारे लिए याद कीजिए कि वो कौन से नाटक थे या ड्रामे थे जिसको करते हुए मतलब ये आपको एक रिस्पांस मिला होगा, या आपको लगा होगा कि हाँ अब हम थोड़ा सा इसमें एस्टेब्लिश हो रहे हैं या लोगों के सामने आ रहे हैं, मतलब कुछ नाटकों को अगर आप हमारे लिए याद कर पाएँ या कुछ उस दौरान की कहानियों को याद कर पाएँ जिसको आपने किया हो। नाटक तो रेपेटरी में बहुत किया हम लोगों ने। मैं कुछ अहम नाटकों की बात नाटक, करूंगा। नाटक तो वैसे सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें से जो ज़्यादातर जो हिट रहे और जिसमें बहुत प्यार मिला मुझे, वो चित्रंजन त्रिपाठी जी ने
शुरू में जब मैं कैपिटल में आया था तब एक नाटक किया था कैपिटल एक्सप्रेस, और एक मुश्ताक कागजी ने किया था जो उस समय डायरेक्टर थे वहाँ के, वो महाब्राह्मण किया हुआ था। और ये कुछ अच्छे अच्छे नाटक थे उस टाइम पर जब मैंने एंट्री ली थी। रेपर्टरी में आते ही इन सब नाटकों में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। लेकिन फर्स्ट ईयर मेरा सिर्फ वो पुराने नाटकों में हम लोग छोटे मोटे कैरेक्टर किया करते थे, वो तो छोटे मोटे भी ऐसे थे कि हम शिद्दत के साथ किया करते थे अपनी तरफ। तो डायरेक्टर को लगता था कि जो ये, हाँ ये थोड़ा सा कर सकता है। तो नेक्स्ट ईयर हमने फिर लीड करना शुरू किया। अच्छा। तो उसी दौरान एक नाटक हुआ था, चित्रंजन त्रिपाठी जी ने मुझे कहा था कि क्योंकि उन्होंने एक नाटक हमारे साथ एक्टिंग कोर्स में भी किया था, तो वो मुझे जानते थे, वो कैपिटल एक्सप्रेस में मुझे देना चाहते थे लीड कैरेक्टर। लेकिन उस समय फिर वो सीनियर्स थे जो, उनमें से ही विनोद नाहड़ी, उनको दिया गया, वो भी बहुत अच्छा एक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तो बाद में उन्होंने जब नेक्स्ट ईयर या उसके 2002 की बात है शायद, एक नाटक किया था अरे मायावी सरोवर। अरे मायावी सरोवर। अच्छा। अरे मायावी सरोवर शंकर शेष जी का नाटक है, उसमें मैंने लीड किया। फिर मैंने इनका मुश्ताक कागजी का एक नाटक था एक था गधा, उसमें मैंने किया। और उसकी तो कहानी ये थी कि उसमें एक मुखौटा लगाया करता था मैं गधे का। वो मुखौटा क्या था कि गलती से वो ऐसा बन गया था कि ऐसे हो गया था, वो ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं, वो ऐसे हो गया था। तो फर्स्ट जब नाटक का पहला शो था, उससे पहले ही एक दिन पहले वो आया था ग्रैंड रिहर्सल में। अब जब लगाया मैंने कहा ये क्या है, ये तो ऐसे नहीं है, अब चेहरा मेरा नहीं दिख रहा था। तो मैंने इसी को फिर बना लिया था ऐसे। तो क्या होता था, ऐसे जब आता था ना, तो जब भी बात किया करते थे तो वो मुखौटा से मेरा चेहरा नहीं दिखता था, वो गधे का ही मुखौटा दिखता था। तो मैं पूरे नाटक सिर्फ फ्लोर दिखता था मुझे, सामने वाले कोई नहीं, लेकिन आप सामने से देख रहे हैं तो ऐसा लगता है गधा बात कर रहा है। अच्छा। हर किसी को बोलना और ऐसे वो पूरा रिस्पांस, उसमें मैं 2 घंटे तक ऐसे था, वो चलना ये सब चीज़ें, और एनर्जी इतनी डालनी होती थी थिएटर में कि आप 2 घंटे लगातार, तो उसका रिस्पांस लोगों में इतना अच्छा निकल कर आया कि उस सुपर हिट रहा वो। तो उससे, लेकिन अखबारों में फोटो छपती थी, चेहरा मेरा मुगटा करता था, तो वो थोड़ा सा मराज हुआ था, अरे यार सबके चेहरे दिख रहे हैं लेकिन मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। तो वही चीजें होती है उसके साथ नाटक। अच्छा सर, मैं जरा सा रोकूं के, लेकिन उसमें फिर वो भी दौर तो आया कि जब अखबारों में आपके बारे में लिखा गया। मैं वहीं पर आ रहा था। जी, हाँ। ये तो शुरुआत में जाते ही हुआ था, फिर मैंने लीड कैरेक्टर्स करने शुरू किए रेपर्टरी में। तो उसी दौरान कुछ नाटक ऐसे थे जो दिल के अभी भी मतलब इतने करीब है कि मैं उनको बार बार करना चाहूंगा कि उसमें फिर से मैं करूँ। हबीब तनवीर जी का एक नाटक था जो हमारे यहाँ पहले हुआ था। हबीब तनवीर साहब को कौन से जानता? उसमें उसका नाम था जिसला होनी व्याख्या और जमीन। अच्छा। श्रीराम सेंटर में पहले हो चुका था वो 90s के दौर में। हबीब जी की डेथ के बाद राजेंद्र नाथ जी ने उस नाटक को रिवाइव नहीं किया था, उसको दोबारा से अपने डायरेक्शन में किया था। तो उसमें मुझे उन्होंने कैरेक्टर दिया था, लेडी कैरेक्टर था वो। अच्छा। और वो भी 60-70 साल, मतलब 60 से ऊपर की, 70 साल की एक लेडी है, माई करके एक बूढ़ी औरत जो पाकिस्तान में है, लाहौर में है। जब बंटवारा हुआ था तो उस टाइम पर सब लोग वहाँ से यहाँ आ रहे थे और यहाँ से वहाँ जा रहे थे। तो उस टाइम पर जो यहाँ के लोग थे उनकी ज़मीनें या उनके घर या उनकी हवेलियाँ जो भी कुछ था वो वहाँ से आने वालों को दिया जा रहा था, और यहाँ से जाने वालों को वहाँ, मतलब एक तरह से आप जो सेटल हो रहे हैं, जहाँ जिसको जो जिस रसूख का है उसको उस हिसाब से दिया जा रहा था। तो वहाँ
लाहौर में वो लेडी है जिसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब मारे जा चुके हैं, और बहुत बड़ी हवेली है, बहुत अपने ज्वेलर की मतलब वो उनका रहा है बिजनेस, और बहुत अमीर और अच्छे अच्छे घराने की लेडी थी, लेकिन सब बर्बाद हो चुका था, सिर्फ वही बचती है। यहाँ से लखनऊ से एक परिवार जाता है जिसको कस्टोडियन की तरफ से वो दिया जाता है हवेली। अब सबको ये पता है कि खाली है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ वो बुढ़िया उनको मिलती है। तो ये पूरी कहानी है, उसमें मैं वही चीज़ में बताऊँगा आपको कि इसलिए मेरे साथ वो रहा यादगार, और आज भी मैं उसको याद करता हूँ, क्योंकि ये जो कहानी है ये लेडी की है, और जो लेडी कैरेक्टर करना एक मेल के लिए, हाँ वही मैं पूछने वाला था, कितना चैलेंजिंग रहा। हाँ वही चीज़, वही मैं बता रहा हूँ, ये पहले हो चुका था, हबीब तनवीर जी ने जब किया था, तो हबीब जी ने उस समय कोई लेडी उनको नहीं मिल पाई, या कुछ ऐसी कुछ हुआ था कोई घटना, जिसकी वजह से उन्होंने उस समय गिरीश भाई थे उनको ये कैरेक्टर दिया था कि आप ये कीजिए। तो मेल ने फीमेल कैरेक्टर किया था उस समय, वो अब क्या था, वो एक परंपरा बन गई थी फिर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा अब इसमें जिस लाहौर नहीं व्याख्या में मेल ही करने लगे, तो सुरेश शर्मा जी ने भी किया था। फिर हम जब दोबारा इसको किया गया, तो मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि अब जब कभी कोई मेल फीमेल कैरेक्टर करता तो हास्यास्पद बन जाता है, या तो कॉमेडी जो आजकल चल रहा है ना, कॉमेडी में तो आप कर सकते हो, सीरियस बहुत सीरियस, हाँ, उस तरह बहुत सीरियस है, और उसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ आपको उसको निभाना है, और कि लोग रो जाएं। सही बात। अब आप जब मेल फीमेल बन के जब जाएगा तो उस समय दर्शक का कुछ नहीं मालूम, लाइव है, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी हूटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा कि आप मन से ये मान के चलो कि फिजिकली थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन अंदर से आत्मा तो एक ही होती है ना, आप आपके करीब लेडी कौन है सबसे ज़्यादा, तो मैंने देखा तो मेरी माँ, वो माँ बच्चे के बहुत करीब होती है, हमारे सबके ही सबसे ज़्यादा हमने जिसको समझा होगा जाना वो माँ को, तो मैंने अपनी माँ को याद करते हुए उस कैरेक्टर को किया, और कोई आवाज़ नहीं मैंने बदली अपनी, कुछ नहीं किया ना मैंने इसमें, कोई फिजिकली अपने आप में चेंज लाया, बस सिर्फ जो मेकअप के ज़रिए मैंने किया, और इंटरनल अपने जो इनर था उस इनर को मैंने इस तरीके से पेश किया कि जैसे मेरी मदर थी उनको मैंने याद किया, उनको अपने अंदर एक तरह से ढाला, और जब मैं उस कैरेक्टर को कर रहा था तो अपनी आवाज़ में मैं बोलता था, पर जो इनर अगर आपका उस त्रासदी को, उस दर्द को महसूस कर ले और एक फीमेल को समझ ले तो आप बखूबी निभा सकते हैं उसे। वो जो लेडी थी, फर्स्ट एक डायलॉग है उसका, जब आती है तो जब वो देख रहे हैं लखनऊ से जो लोग यहाँ से गए हैं मिर्जा, वो वहाँ जब पूरी हवेली को चेक करते हैं कि यहाँ कितने कमरे हैं क्या है, वो लड़की है मिर्जा साहब की जो ढूंढती हुई जाती है, कमरों का मुआयना कर रही है, अचानक चीखती हुई बाहर आती है। तो वो लोग पूछते हैं माँ बाप बच्चे से कि क्या हुआ, कितने अंदर कोई है, फिर माँ जाती है, माँ जाके देखती है तो फिर वो बाहर आती है, वो भी चीखती हुई कि अंदर वो बाकी कोई है। तो ये लोग खड़े हुए हैं सामने, उधर से वो लेडी आती है, और आते ही जैसे जो फर्स्ट आप एंटर करते हो वही एक लुक होता है, वही डिसाइड कर देता है कि कैसा अब जाने वाला है। जैसे मैं आता था और मैं देखता था, वो कहते थे आप कौन, तो मेरा पहला जो आवाज़ जो आती थी वो ये थी, वाह जी वाह, ऐ खूब रही कि मैं कौन हूँ, तुस्सी दसो कि तुस्सी कौन हो, जो बिना पूछे मेरे खारिज को साए हो। तो वो जो
आवाज़ और पूरा सन्नाटा, सन्नाटा है उसमें, एक बुढ़िया की जो आवाज़ गूंजती है तो लोगों को एकदम शांत कर देती थी वो, तो मैं समझ जाता था कि हाँ आप एक्सेप्ट किया लिया गया है। हाँ। और वो जब बोलते बोलते पूरे नाटक को जब करने के बाद लोग रो पड़ते थे लास्ट में, मैंने उसको इस तरीके का बनाया था कि वो कमज़ोर नहीं है, वो हर जगह रोती नहीं थी, रोते रोते अचानक उसकी आंखों में आती थी, गीली होती थी आंखें लेकिन कभी आंसू नहीं आता, लास्ट में वो रोती है। तो मैंने जो उस कैरेक्टर को डिज़ाइन किया वो अलग ही तरीके से किया था मैंने, बिल्कुल उसको लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्यार दिया कि लास्ट में लोग वहाँ के रोते थे और जब ख़त्म होता तो मेरे पैर छूने के लिए भी आते थे। कुछ लोग तो ऐसे आए कि उन्होंने कहा कि हमने लाहौर की वो त्रासदी झेली है हमारे परिवार ने और हम जानते हैं ये सब चीज़ें हुई हैं, वो हमें अपनी दादी याद आ गई, हमें अपनी माँ याद आ गई, तो वो आके पैर छूते थे, वो मिलते थे, कहते थे हमें आप में वो दिख रहा है, तो मतलब इतना यकीन हो गया। हाँ मुझे लगता था कि अच्छा कई लोग, तो ये भी भोपाल में भी हुआ था एक किस्सा कि वहाँ कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि इतनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी हैं क्या। अच्छा। रेपेट्री में बरेली में हमने किया तो बरेली में ये अखबारों में छपा था कि वर्षों बरस याद रहोगी, यही मैंने कहीं देखा था जो मुझे जहन में आ रहा था बार बार, तो वो अखबारों में छपा कि वर्षों बरस याद रहोगे और वाकई में उन्होंने याद रखा। बरेली में बहुत प्यार मिला मुझे हर एक नाटक और था अपना बगिया भाषा राम की, वो अलग ही उसमें हम लोगों ने जोन का था, वो कॉमेडी था, वो नाटक तो बहुत बहुत किए। अच्छा मैं असल पूछ इसलिए रहा था कि मैं आना इस तरफ चाह रहा था कि स्टेज के लिए आप जाते हैं तो बहरहाल आपके पास एक बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके पास आवाज़ होती है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी मदद करती हैं, लेकिन जब आप रेडियो पर होते हैं जिससे आपका अच्छा खासा रिश्ता रहा है, तो रेडियो पर जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं तो आवाज़ ही सब कुछ होती है आपके लिए, बस एक आवाज़ है जिसके जरिए सारा कुछ यकीन दिलाना है, ना मेकअप है ना गेटअप है कुछ नहीं है। वहाँ आपने बहुत दिनों तक काम किया है, मैं चाहता हूँ वो जो आवाज़ की दुनिया थी जिसको आपने स्टेज की तरह से खेला है जहाँ जाके, उसको हमारे लिए याद करें, थोड़ा बताएं हमको। हाँ नहीं नहीं वो भी तो वो मतलब एक अच्छा होगा हमारे देखने सुनने वालों, वो भी उसी दौर का है। जी जी जब मैं बता रहा था कि मुझे सर्वाइव करना था। हाँ, हाँ, हाँ। तो सर्वाइव के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहा था कि किस तरीके से पैसा कहाँ से आ सकता है, जैसे मैंने मेकअप का बोला तो मेकअप की भी एक छोटी त्रासदी थी कि मैं जब जाता था बैक स्टेज क्या करता था, मैं बरेली की बात बताता हूँ, बरेली हम लोग एक नाटक लेके गए थे औरंगजेब, तो औरंगजेब महेंद्र बेवाती और के एस राजेंद्रन जी का नाटक था, वो उसमें मैं मेकअप के लिए गया था, उन्होंने बुलाया था क्योंकि क्रेप वर्क मेरा बहुत अच्छा हुआ करता, तो उसमें दाढ़ी लगानी होती थी औरंगजेब को और भी लोगों के मेकअप थे, तो एज एन एक्टर मेरे अंदर की चीज़ें उस समय जब स्टेज पर हो रहा होता था मुझे लगता था और मैं क्यों नहीं हुआ, तो वो सब चीज़ें चलती थी, लेकिन क्या मैं वहाँ सर्वाइव के लिए वहाँ गया, वो मुझे थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, तो मैं एज एन एक्टर मैं वहाँ नहीं जुड़ा हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट के रूप में मैं जुड़ा हूँ। लेकिन होता क्या था कि मैंने बहुत सारे नाटकों के साथ में जुड़ा, तो एक लोग मुझे मेकअप आर्टिस्ट ही अच्छा समझने लगे थे, कुछ जो ग्रुप थे उसमें नए नए बच्चे आते थे वो सब लोग, तो मैं उनको मेकअप करता ही दिखता था, तो उनको लगता था यही है, तो उनको लगा ये मेकअप आर्टिस्ट है। और ये एक घटना भी हुई थी कि मैं फुकरे के शूट पर था तो वहाँ एक लड़का मुझे मिला, जैसे गाड़ी से उतरा मैं उतर के चला था, उसने कहा सर हाय, मैंने हाय कहता, अरे सर आप यहाँ, हाँ अच्छा अच्छा आप मेकअप के लिए आए होंगे, मैंने कहा भाई मैं एक्टर हूँ, अच्छा सर आप एक्टिंग भी करते हैं, हाँ भी करते हैं, मैंने कहा मैं एक्टिंग ही करता हूँ, ये भी कमाल है भी नहीं है, तो क्या था कि लोगों के दिमाग में ये आ गया था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ शायद, तो एक्टिंग का फिर वो क्या था ये उसके साथ साथ ये अपना रेडियो का क्या कि उसमें उस टाइम पर आकाशवाणी की तरफ से सीरियल्स हुआ करते थे, 12 एपिसोड 8 एपिसोड 25 एपिसोड 50 एपिसोड 100 से भी ऊपर, मतलब लगातार एक काम हुआ करता था, अगर आपने किसी बड़े से सीरियल में कर लिया रेडियो सीरियल में तो आपको
ये था कि हाँ चलो एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा आपको, 500 रुपये मिला करते थे उस टाइम पर। अच्छा, तो मुझे याद है मैंने जो आकाशवाणी में किया था मयूरभंज करके, मतलब अलग अलग हाउसेज हुआ करते थे, उसमें अपने सिन्हा जी थे, सिन्हा जी ने एक नाटक किया था अंधायुग, अंधायुग जी बहुत मशहूर है। जी जी, तो उसको रेडियो के लिए किया था, तो मैं फर्स्ट मेरा मतलब रेडियो का जो एक्सपीरियंस था वो वहाँ से था। अच्छा, तो उसमें क्या कैरेक्टर था? उसमें मैंने युधिष्ठर का किया था। तो अलका अमीन जी उसमें गांधारी कर रही थी, नीरज जी थे, मतलब सभी बड़े बड़े जो रेडियो के दिग्गज थे वो सब लोग थे उसमें। एक माइक लगा हुआ था, स्टूडियो था, एक्साइटमेंट वही है, एक माइक और आप बैठे हुए सब शांत, स्क्रिप्ट लेकर आप उठते थे, जाते थे और अपना कैरेक्टर बोला, दूसरा उठता था जाता था, वो बोलता, तो मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था मैं इन लोगों के बीच में रेडियो में नाचता ही नहीं, ये कैसे होगा। अच्छा, तो मैं उनको देखता रहा, मैंने भी वो चीज़ें अपना ली धीरे धीरे, मैं भी उठा, अपना कैरेक्टर किया मैंने, करके मैं आ गया, किसी को पता नहीं चला कि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत फास्ट लर्निंग थी एक तरह से। लर्निंग थी वो मेरी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि आप अपने दिग्गजों से सीखते हैं, अपने बड़ों से आप सीखते हैं, अगर सीखने की लालसा है। कई लोग होते हैं आजकल मैंने देखा कि सीखने की मन के अंदर इच्छा नहीं होती लोगों पर, वो सिर्फ चाहते हैं हम जल्दी जल्दी हमें चीज़ें मिल जाएं, ऐसे ही पके पकाए, जबकि आपको अपने बड़ों से, अपने आसपास के उस माहौल से बहुत सारी चीज़ सीखनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला वो था, उन लोगों ने पूछा भी था आप कहाँ से, कब आप यहाँ से अप्रूव्ड हैं। मैं कुछ नहीं था ऐसा, अप्रूव्ड नहीं था मैं उस समय, मैंने जिन्हें मैं तो फर्स्ट टाइम आया, पहली बार आया। अरे आपने तो बहुत अच्छा किया, मैंने बस आप ही से सीखता रहा मैं, जो आप लोग कर रहे थे वही चीज़, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में मैं रेडियो से, अभी इस समय मैं अप्रूव्ड हूँ वहाँ ए ग्रेड में हूँ। तो उस समय पहले क्या होता था कि बहुत मुश्किल से आप अप्रूव हो पाते थे, क्योंकि जो एक वो दौर से गुजरना होता था ना आपको, एक स्क्रिप्ट दे दी जाती थी और वहाँ आपको बोलना होता था, एक एक शब्द बोलने होते थे, क्लियरिटी आपके उच्चारण किस तरीके का है हर चीज़ का, उर्दू का, हिंदी का, और ये सबसे बुनियादी बात है चीज़ें। और वहाँ मैं आपको एक घटना बताता हूँ, जब फर्स्ट टाइम में जब गया तो मुझे दे दिया गया एक पर्चा, उसमें शब्द लिखे हुए थे। अच्छा, अब मैं पहुँचा, ऐसी एक स्टूडियो था, अपना माइक लगा हुआ था, जैसे पहुँचा वहाँ से बस एक आवाज़ आ रही थी, हाय श्रीकांत, देखिए ऐसी बाहर और रेडियो वाली आवाज़, कैसे हैं आप, दानिश जी थे। अच्छा, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, आइए, आप तैयार हैं? मैं जी बिल्कुल। तो आपके पास एक पर्चा होगा? मैंने जी हाँ। उसमें इतने नंबर पर जो लिखा है उसे आप बोल कर बताइए। उसमें लिखा था कागज। अच्छा, तो मैंने कहा कागज, कहते मुबारक हो आपका पहला शब्द ही गलत है। गलत है ये क्या हुआ? तो कहते, मैंने सर लेकिन इसमें गलत क्या है, आपने इसमें नुक्ता नहीं लगाया। मैंने सर मैंने लगाया था लेकिन आप तक पहुंचा नहीं। कहते अच्छा, उन्होंने एक मौका और दिया, कहते तो पहुंचाइए। मैंने थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, मैं अरे कागज, कहते बहुत अच्छे, अब ये बोलिए। तो मतलब उस टाइप से वो पहला, मतलब फर्स्ट टाइम पर ही मैं रिजेक्ट होने वाला था लेकिन वो बच गया मैं। तो रेडियो का ये था कि बड़े मुश्किल से हुआ करते थे लोग, मैंने तो सुना है कि अमिताभ जी भी नहीं हो पाए थे उसमें। अच्छा, सिलेक्शन मतलब आकाशवाणी और ये सब चीज़ें तो इतनी महान जगह रही कि यहाँ पर काम करना बहुत बड़ी, सही बात है, एक जमाने में सादत हसन मंटो से लेके और किस किसने काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ तो हर चीज़ को, एक एक शब्द को, एक एक उच्चारण को बहुत बारीकी से देखा जाता है। तो मैंने वहाँ के लिए बहुत काम किया, बहुत नाटक किए मैंने,
जितने भी स्टूडियोज़ हैं दिल्ली में सब उन सब में मैंने किया। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि मैं एक साथ बहुत सारी आवाज़ें निकाल लेता था, मतलब मॉड्यूलेशन था, आवाज़ मेरी चेंज हो जाती थी। तो लोगों को लगता था कि एक आर्टिस्ट का काम मतलब जो होता है वो ये आठ या सात आठ आर्टिस्ट का काम एक ही आदमी कर लेता है यार, इसको अच्छा, ये रेडियो के लिए इसको अच्छा है, क्योंकि शक्ल तो दिख नहीं रही। श्रीकांत यार आ जाओ, और ऐसे ऐसे ये करेक्टर ये कर, तीन तीन चार करेक्टर ये तुम कर दो, क्योंकि पैसे बच जाते थे और मैं मुझे हर जगह बुला लिया जाता था। लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा नहीं यार ये गलत है, ये और जो आर्टिस्ट हैं उनके पेट में लाश वाली बात है, इतना नहीं, हाँ दो तीन कर लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली थी रेडियो में। तो रेडियो का क्या था, उसका एक एक्सपीरियंस ये था कि आपको हर चीज़ शब्दों से और मतलब सुन रहे हैं ना आप, देख नहीं रहे, इंद्रियां जो मतलब उसमें से एक है श्रव्य, तो जब श्रवण करते हैं हम सुनते हैं तो ये आंखें बंद कर लीजिए आप, तो आपको बिल्कुल वो विजुअल मिलना चाहिए। आप टीवी पर या फिल्मों में हम दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ हमें शब्दों से वो विजुअल देना होता है। जैसे अरे ये रात में सामने से कौन चला रहा है, शॉल पहनकर हाथ में डंडा लिए, साया सा, वो एक विजुअल आप क्रिएट कर रहे हैं। अरे ये तो मेरी तरफ चला रहा है, अरे ए सुनो रुको, तो ये इस तरीके से ना वो आप विजुअल भी दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं आवाज है ना। ये क्या, ये झाड़ियों में से कौन निकला, तो वो उधर कुछ इफेक्ट्स भी दिए जाते थे, वो आप बताते हैं शब्दों, उस स्क्रिप्ट भी वैसे ही लिखे जाते थे। तो उसका फायदा मुझे आज फिल्मों में या इसमें जो विजुअल ड्रामा जो है, जो पर्दे की दुनिया, हाँ जो पर्दे की दुनिया, उसमें मुझे ये मिल रहा है कि जब डबिंग होती है तो माइक मेरे लिए नया नहीं है, यहाँ पे एक्टिंग, वहाँ भी वो डबिंग के टाइम पर आप एक्ट कर रहे हैं, तो पूरी तरह से मतलब इस दिल्ली ने आपको तैयार किया है स्टेज। अरे सर दिल्ली तो मेरी, और रेडियो बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस सुन रहा हूँ आपकी कहानी, मैं जो सवाल लेके आया हूँ सबको बंद करके रख दिया है मैंने नहीं नहीं आप कीजिए जी, नहीं तो बस ये कि रेडियो के बाद मैं मतलब उस तरफ चलूँ जरा सा कि जो फिल्मों की तरफ जाना होता है जी जी, तो उसके लिए कोई कोशिश जारी थी आपकी तरफ से या कहीं से मतलब किसी ने अप्रोच किया, और किस तरह से उस दुनिया में आप गए? हाँ मैं बताता हूँ, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी ऐसा कि इच्छा के मतलब मन तो होता है इंसान का, देखिए थिएटर से आपको संतुष्टि मिलती है और वो एक जो तालियाँ होती हैं जो लोग सामने बैठ के आपको रिस्पांस देते हैं तुरंत, तो वो इसमें नहीं मिलता है सिनेमा में, वो तो बाद में आज बनाया आपने शूट किया ना जाने कब रिलीज होगा, होगा भी नहीं होगा, तो उसको दर्शक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो आपको लोगों का प्यार वो सराहना आपको तभी मिलती है जब आपके काम को देखा जाता है। अब इसमें क्या होता था कि सामने स्टेज पर आप कर रहे हैं कुछ भी तो तुरंत आपको रिस्पांस मिलता है, तो मैं थिएटर में करते करते मुझे ये था कि पैसे का भी है और दर्शक दीर्घा भी, क्योंकि जो आप एक नाटक कर रहे हैं उसको दर्शक दीर्घा में जितने लोग हैं ऑडियंस में मतलब ऑडिटोरियम में ऑडियंस जितनी है वही देखेगी, और जो पूरी मेहनत आपने की है एक बार एक चीज हो गई तो दोबारा वैसे नहीं हो पाती, कोशिश होती है उसके आसपास होता है, लेकिन कुछ एक यूनिक कुछ चीजें हुई, कोई एक यादगार प्ले हुआ तो वो अब तो फिर भी रिकॉर्ड कर लिया करते थे, लेकिन कई बार क्या होता है एक आधी शो होता था सारे नहीं होते थे, तो उसमें क्या था कि उतने ही लोग देख पाते थे, कुछ थिएटर में कम भी आते थे लोग, तो 250-300 आ गए, लेकिन सिनेमा में दर्शक दीर्घा अनंत है, पता नहीं कौन देख रहा है, कहाँ देख रहा है, कहाँ दुनिया में कहाँ देख रहा है आपके काम को, वो चाहिए था कि भाई मेरा काम लोगों तक दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, लोग देखें तो सही। अब पैसे का भी इतना वो नहीं था, पैसा मैंने कहा ना आपको कि संतुष्टि होनी चाहिए इंसान को, पैसा आएगा तो आएगा, मैं तो ये कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि आप
किसी भी चीज़ के साधक बनिए, साधना आप कीजिए, है ना। तो सिद्धि कर लीजिए, पर सिद्धि तो अपने आप मिल जाएगी आपको। वाह क्या बात है। अगर आपने सिद्धि कर ली किसी भी अपने कार्य में, अपने उसमें आर्ट में, किसी भी चीज़, किसी भी चीज़ में, तो उसमें आपको प्रसिद्धि अपने आप मिलेगी। और ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। करके आप देखिए, अगर ना मिले तो मैं बैठा हूँ, नहीं आप तो ये है। आप मन से आप कीजिए, लक्ष्मी की पूजा करेंगे सरस्वती नहीं मिलेगी, सरस्वती की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। क्या बात। तो आप अपने काम को कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। तो वही चीज़ कि मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा था, मेरे साथ घटना घटी। मैं जाने को बीच में मेरा मन भी हुआ था कि मैं जाऊँ मुंबई की तरफ, पंकज त्रिपाठी वगैरह ये सब लड़के अपने, हाँ ये श्रीराम, ये NHT में आए और पंकज बहुत ही प्यारा, बहुत ही संस्कारी लड़का, जब ये आया था मुझे मिला था, सेकंड ईयर में था, हम लोगों ने एक छोटा सा एक शो भी किया था, ये लोग भाग कर आए थे, सुकुमार टूडू, ये पंकज त्रिपाठी, ये सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर के और भी थे कुछ लड़के, भानु और ये सब। तो ये हम लोगों ने एक फैशन TV के लिए किया था, अच्छा। एक अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर एक डॉक्यू ड्रामा था, एक ऐसे बंद कमरे में ब्लैक कलर का पूरा पर्दे थे चारों तरफ, उसी में उन्होंने शूट किया था उसे, डॉक्यू ड्रामा यानी डॉक्यूमेंट्री, और उसके साथ वो ड्रामा था अलाउद्दीन खिलजी को लेकर, वो पद्मिनी, रानी पद्मिनी, पद्मावती, हाँ जी 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 पद्मिनी। तो उसमें ये लोग आए थे, तब की बात है कि फिर ये पास आउट हो गए, ये सब तो निकल गए थे, मुझे भी लगा कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन अचानक एक ऐसा कुछ हुआ कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक, मतलब मेरे परिवार में तूफान आया साइड से, कि मेरे बड़े भैया की डेथ हो गई। अच्छा। पहली कोई मौत मैंने अपने घर में देखी, और मैं सदमे से मैं पहुंच गया था, एकदम टूट गया था बहुत बुरी तरह से, क्योंकि बड़े भैया कोई उम्र नहीं थी उनकी, उनका पूरा परिवार था, एक्सीडेंट हुआ था उनका। तो अब बच्चे छोटे थे उनके, मुझे लगा कि मैं चला जाऊं, ऐसे छोड़ के तो नहीं जाया जा सकता, जिम्मेदारी है। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जिम्मेदारी छोड़ दी जाए तो वो सही नहीं, उन्हें भी निभाते हुए करना है। तो मैं नहीं गया, फिर दिल्ली में, मैंने फिर मैं दिल्ली में, जो होगा सो देखा जाएगा यार, करते रहो, यहीं करेंगे। तो आप अगर कुछ करते हैं तो दिखता है, यहाँ से उठ के वहाँ मुंबई जाने वालों में बहुत सारे मेरे शुभचिंतक भी थे, उनको पता था कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उस टाइम पे एक बात और हुई थी कि दिल्ली में आने शुरू हो गए थे लोग, मुंबई से प्लान करके यहाँ शूट चालू हो गया था। तो हो क्या रहा था, दिल्ली के आसपास आपने लकी हाँ। ये सब जो फिल्में थी जो आई थी, ये सब उस टाइम पर यहीं शुरू हो गई थी। फिर धीरे 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 वो मुंबई से बाहर आना शुरू हुई इंडस्ट्री, नहीं तो पहले मुंबई जाके ही आपको स्ट्रगल करना होता था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ लोगों ने कलाकार वहीं लोकल ही लेने शुरू किए, क्या दिल्ली में दिल्ली के ही एक्टर्स को लो, तो वहाँ से कास्टिंग होती थी। तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो छटे हुए थे लोग, एक लिस्ट बना ली जाती, अच्छा अच्छा ये कौन कौन, तो यहाँ ऊपर वाले की दुआ से मेरा एक नाम था, तो वो लिस्ट में ऊपर ही होता था नाम, तो लोग मुझे ऑडिशंस हुए, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ यहीं रहकर कई फिल्मों के लिए ऑडिशंस दिए थे। या आंखों देखी को कर, हाँ मैं आंखों देखी कर बता रहा हूँ, वो तो उसने, वो तो एक तरह से उसकी तो, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है वो, क्रिटिकली मतलब बात करें हम, वो तो मेरे को जो मिली किस्मत से मिली, और मेरी मेहनत से भी, मैं कहूँगा मैंने उसमें कोई नहीं छोड़ा कुछ भी, अपनी मेहनत की मैंने। नहीं मैं उस किरदार को याद भी कर रहा हूँ, शिक्षक वाला जो आपका टीचर वाला किरदार है। इस तरीके से जब दिल्ली और दिल्ली के आसपास जब फिल्में बननी शुरू हुई तो मौके हमें मिलने शुरू हुए।
और लोगों को पता था कि मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी मुझे लेकर आगे पिच करना शुरू किया लोगों तक। वहाँ इसी बीच में ये सब चल रहा था, तो फुकरे और एक फिल्म की थी मैंने, मटरू की बिजली का मंडोला। मटरू की बिजली का मंडोला, हाँ, मटरू की बिजली का मंडोला, विशाल भारद्वाज जी जब आए थे तो उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर था उसमें पत्रकार का, वो पत्रकार वो अंधे लड़के का एक इंटरव्यू ले रहा होता है, तो कहता है मेरा कच्चा उड़ गया था, ये सब जो चीज़ें उसमें कॉमेडी थी, तो वो मुझे वहीं लिख लिख के दिया था विशाल जी ने, और हमने आधे दिन में उसको कर दिया था, और बहुत जल्दी उसका हो गया था पैकअप, लेकिन बहुत अच्छा सीन था वो, एक ही सीन था। तो वो यहीं दिल्ली से मिली थी मुझे। उसके बाद उसके जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो थे हनी तिरहन। हनी तिरहन ने फुकरे एक फिल्म बन रही थी, तो उस टाइम पर, अब तो शायद उसका दूसरा पार्ट है, तीसरा आया, हाँ तीसरा आया। उस टाइम पर मेरे पास एक फ़ोन आया था रूपाली का, फरहान अख्तर के एक्सेल की तरफ से, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे आप कॉन्ट्रैक्ट आपको ये हम बनाने जा रहे हैं और ऐसे ये है, कुछ पैसों की बातें करनी। मैंने किस चीज़ के लिए, कहते फिल्म है फुकरे, उसके लिए आप सिलेक्ट हुए एक कैरेक्टर के लिए, मैंने मुझे तो पता ही नहीं। कहते नहीं नहीं वो हनी तिरहन है, उन्होंने कहा कि इस कैरेक्टर को, मंत्री का पीए कैरेक्टर था, इस कैरेक्टर को श्रीकांत करेंगे, मैं उनकी गारंटी ले रहा हूँ, पैसों की बात आप लोग कर लीजिए। तो मैंने अच्छा हनी ने कहा है, फिर मैंने हनी से बात किया, मैंने हनी ऐसे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपके लिए यहाँ से ये कैरेक्टर बोल दिया कि अब आप करेंगे। तो फुकरे मेरे लिए एक बहुत अच्छी फिल्म साबित हुई थी, वो सुपरहिट रही, उससे धीरे धीरे रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हुआ। लेकिन मेन जो मैं कहूँगा, जहाँ से एक उठाव जो आया, उछाल, वो थी आंखों देखी। में मैं यहाँ दिल्ली में ही वो आए थे, मनीष आए थे और अंकुर उसकी कास्टिंग कर रहे थे, अंकुर चौधरी जो यशराज में है, वो राइटर भी है, और उस समय दम लगा के हईशा के वो भी रहे थे, वो ईपी इसमें वो कास्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ राजेंद्र नगर में मुनीश के वहीं घर के पास में, या उन्हीं का घर था शायद, ऊपर हम लोग ऑडिशन के लिए वहाँ सब लोग पहुँचे थे। तो मैं जब ऑडिशन के लिए गया तो मेरा कैरेक्टर बताया गया उन्होंने कि ये ऐसे ऐसे मास्टर जी का है, इन्फिनिटी वाला जो है ना सी, वो दिया गया था संजय मिश्रा जी के साथ, जो आपका एक वो दिया गया था संवाद है। हाँ जी, तो मैंने इन्फिनिटी शब्द मैंने देखा, मैंने उसको पढ़ा, मैंने अनंत, ये कहता है कि मिलती हैं समानांतर लेकिन वो इन्फिनिटी पे वहाँ जाके मिलते हैं, तो वो जो था ना वो खेलने वाला था सीन। तो इसमें मैंने जब कैरेक्टर किया तो छत पे उन्होंने रिकॉर्ड किया, वो ऐसा हो गया कि उन्होंने रजत को भेजा, रजत ने सब लोगों को दिखाया कि देखो ये कितना अच्छा किया है, और रजत एक सीन था वो पहले, रजत जब दिल्ली आए तो उन्होंने मुझे बुलाया, एक होटल था यहाँ कच्छ, यहाँ अपने कौन ये कश्मीरी गेट के पास, अच्छा वहाँ मैं गया, वहाँ कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहे थे, तो उन्होंने कहा श्रीकांत इधर आओ, कमरे में बुला के मुझसे कहते कि मैं कुछ इम्प्रोवाइज करवाऊँगा, ऐसे करो। उन्होंने कुछ करवाया मुझे, तो दो तीन चीज़ें और की, उन्होंने पूरी तरह से तसल्ली करना चाह रहे थे, तो सब हुआ उनका एक तरीका। हाँ, था तब उन्होंने कहा डन, फिर उन्होंने कुछ और भी उसको और आगे बढ़ाया उस कैरेक्टर को, क्योंकि राइटर यही थे, तो ये कैरेक्टर भी धीरे धीरे करते थे लास्ट तक पहुंचा था। तो वो जो कैरेक्टर था और पूरी फिल्म थी, वो फिल्म जो लिखी वो फिलोसफी थी एक तरह से, वो बहुत बड़ी बात कही थी, और उस पूरी फिल्म का सार था ये वाला सीन। अच्छा, अब उस फिल्म को ज्यादा देख रहे हैं लोग, उस वक्त आप एक चीज देखिएगा, मेरे पास उस पूरी फिल्म का एक सार मेरे पास था कि मैं जो बोल रहा हूँ और मेरे जो सीन में जो बात हो रही है कि दो समानांतर रेखाएं इन्फिनिटी पे जाकर मिलती हैं, मैं कहता हूँ मिलती हैं,
पर नहीं मिलती, वो मिलेंगी तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी, लेकिन वो कभी नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या था, वो जो दो भाई थे ना फिल्म में ही दिखाया गया कि दोनों भाई अलग अलग होते हैं, सोच अलग है, हर चीज़ अलग है। तो हर घर में ये चीज़ होती है कि हम दूर से देखते हैं तो लगता है सब मिले हुए हैं, जब पास जाकर देखते हैं तो बहुत कुछ तो रेल की पटरियों की तरह अलग अलग होते हैं। तो ये एक सार था उसमें मेरे जो सिर में पूरे उस रिश्ते को लेकर और उन सब चीज़ों को लेकर, कि बहुत सारे रिश्ते नाते हमें बहुत मिले हुए लगते हैं घर में, अरे सब लोग देखो कितना मिल के रहते हैं, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो दूरियाँ दिखती हैं आपको। तो ये फिल्म इतनी अच्छी थी, क्रिटिकली इसको बहुत एक्लेम किया गया, बहुत लोगों ने सराहा, और इसके ऊपर तो जगह जगह बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बातचीत होती है इसको लेकर, एक रेफरेंस बिल्कुल रेफरेंस आंखों देखी जब हम कर रहे थे तो उस टाइम पर सारे लोग थे और सभी एक से एक बढ़कर एक जाहिर है, संजय मिश्रा जी तो कॉमेडी के लिए माने जाते हैं, मनु ऋषि चड्ढा, अपने ये बृजेंद्र काला जी, सभी बड़े बड़े, अनिल चौधरी जी भी थे जो डायरेक्टर हैं लेकिन वो एक्टर भी हैं, वो वैसे थिएटर से बहुत अच्छे बहुत पुराने एक्टर हैं लेकिन आजकल वो डायरेक्शन में हैं। तो ये सब लोगों का एक जो जमावड़ा था वहाँ, ऐसा था कि रजत इनको जब सीन दिया करते थे सबको, तो सब इतना इम्प्रोवाइज करते थे कि जिसका सीन होता था उसका ना होकर कोई और ले जाता था उसे। अच्छा, तो वहाँ ये सब चल रहा था और रजत क्या करते थे, वो उन्हें लगता था अच्छा यार ये तो थोड़ा अच्छा हो गया तो रख लेते, तो रोकते थे सबको, अरे बस 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 इतना नहीं, अब इससे आगे अब ऐसे करो अब ऐसे करो। तो कुछ लोग बहुत अच्छे इम्प्रोवाइज कर रहे थे, वो सब चल रहा था। मेरा क्या था, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। मैंने उनसे कहा सर मुझे करने नहीं देते थे जबकि मैं कॉमेडी में उस टाइम पर मतलब एक टाइमिंग जो थी वो मानी जाती थी, लोग इस चीज़ को जिन्होंने देखा है वो सब जानते हैं कि मैं कॉमेडी में एक टाइमिंग बहुत अच्छी थी मेरी। मैंने सर प्लीज़ क्या हुआ, मैंने कहा मेरा पट्टा खोल दो सर, मुझे बांधो मत, क्या मुझे भी कुछ करने दो कुछ कॉमेडी। कहते ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हें करनी है करना है कुछ। मैंने हाँ सर। कहते तो इम्प्रोवाइज करो लेकिन संजीदगी के साथ करो कॉमेडी। ये क्या मतलब हुआ, कॉमेडी करो कॉमेडी संजीदगी के साथ करो। कहते हाँ तुम्हारा कैरेक्टर संजीदा है ना थोड़ा। मैंने ये क्या मतलब, आपने तो और फंसा दिया मुझे अब तो। ये क्या मतलब हुआ संजीदगी के साथ कॉमेडी। कहते हाँ देखो। मैंने कहा कैसे करूँ क्या करूँ मतलब क्या किया जाए। तो संजीदगी के साथ कॉमेडी, वो उनका कहने का मतलब था कि कॉमेडी की नहीं जाती है, कॉमेडी नहीं करते हैं, कॉमिक सिचुएशन होती है। अब सिचुएशन में रहो, अपने आप कुछ चीज़ें ऐसी निकलेंगी लोग हंसेंगे। तो अपना काम करो, आप संजीदा होके करो, संजीदगी से करो अपने काम को। कैरेक्टर में रहोगे तो अच्छा होगा, वो अच्छा लगेगा निकलेगा। तो मैं समझ गया इस चीज़ में, ठीक है मैंने अपना काम करते हैं। तो आपने वो देखा होगा वो इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी करते वायरल है अलग से भी, है ना। मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अरे भैया आप मेरा क्या दिमाग खराब कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए ना। वो कहता है कि है ना, वो इतने में दो बच्चे आते हैं, सर नमस्ते बेटा चल जा। अरे सर आप क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, आप जाइए ना ऐसे। इन्फिनिटी सिक्योरिटी, तो वो जो इन्फिनिटी इतना हो गया, इन्फिनिटी सिक्योरिटी को बुलाने के लिए कहता है इन्फिनिटी, फिर कहता यार सिक्योरिटी। तो वो जो था ना माइंड पूरे सीन में, लास्ट में जब जाता तो मैंने देखा था दर्शकों को हॉल में, वो लोग हंसते थे उसमें, क्योंकि अचानक एक कोई चीज आई। हाँ, सही बात, वो सिचुएशनल, तो बड़ा प्यारा। वो जब हम कर रहे थे ना शूट तो रजत भी बहुत तेज हंसे, कहता अरे श्रीकांत ये क्या, मैं सर आ गया पता नहीं क्या, मैंने अपना काम किया निकल गया। फिर मेरी समझ में आया हाँ ये है संजीदगी में कॉमेडी, मतलब सिचुएशनल आप कीजिए, हंसाने के लिए मत कीजिए, जबरदस्ती का नहीं करना चाहिए। आप एक सिचुएशन को कैरी कीजिए, उसको प्ले कीजिए, अपने आप वो जो
निकल के आएगा उसमें से, उस सीन या वो जो आपकी जो इम्प्रोवाइजेशन करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप आएगा स्वतः सब चीज़ें। कुछ चीज़ें रिएक्शन एक्शन कुछ ऐसा निकल के आएगा कि अच्छा लगेगा, लोगों को गुदगुदाएगा। ऐसे हम लोगों ने वहाँ भी किया था, जो जंगल में जो शेर देखने जब जाते हैं वो कहते हैं, वो बैठे हुए हैं देख रहे हैं ऐसे, कहते हैं बोल दे यार अब तो कुछ बोल, सब बैठे हैं, सब ने काम धंधा छोड़ के आए। कोई कह रहा है बाबू जी जा रहा है वो दुकान खोलने, बोला ये बोल ही नहीं रहा वो, है ना। तो अचानक मैं खड़ा हुआ, बाबू जी कह रहे हाँ शेर बोला, मास्टर जी बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा। मैंने हाँ नहीं सुन वो एक छोटी छोटी सी जो इनोसेंस है वो जो उसके अंदर इनोसेंट बंदा जब कुछ बोलता है तो उससे कुछ ऐसा निकल जाता है कि बहुत नेचुरल, हाँ नेचुरल सा गया। अरे यार ये क्या लोग उसमें खिलखिलाते नहीं है, एक मुस्कुराहट आती है। हाँ, अरे यार तो वो अच्छी सी गुदगुदाती सी चीजें, उसने ही इस फिल्म को रिच बनाया। सही बात, सब लोगों ने मिलके इसमें मेहनत की, सब लोगों ने अपने कैरेक्टर को समझ के काम किया और एक परिवार की तरह काम किया। इसमें पैसा नहीं था इतना, क्योंकि रजत के पास खुद पैसा नहीं था उनपे, उन्होंने खुद सब याद रहे हैं। तो मनीष जी ने मुंदला जी ने इसको प्रोड्यूस किया था, तो हम लोगों को पैसा नहीं था लेकिन एक माहौल मिला था और पैसे के लिए कोई गया भी नहीं था। सब लोग हाँ साथ काम करे, शायद आप जैसे लोग ही उसमें काम कर सकते थे। हाँ हम लोग गए इसलिए थे, यार एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी कहानी, एक अच्छी फिल्म है और अच्छे डायरेक्टर हैं, सब थिएटर के ही हैं, चलो यार करते हैं कुछ। तो और एक वो यादगार बन गई, आज भी लोग वही कर रहा हूँ, लोग देखते उसको निकाल निकाल के देख। अरे मतलब आप आंखों देखिए, अब तो जिस किसी से पूछो आप सब जानते हैं। उसने बिजनेस नहीं किया, हाँ वो कमर्शियली हिट नहीं हुई, कमर्शियली हिट होना वो आजकल तो सब हिट हो जाती हैं वो। हाँ। सब इतने करोड़ उतने जी अब करोड़ों में ही बात होती है। इसने पैसा उतना नहीं कमाया लेकिन नाम कमाया और उसकी वजह से हम लोगों फिल्म पढ़ने वालों के लिए भी एक बड़ी फिल्म। मुझे रजत बता रहे थे, कहते कि इस फिल्म की जब स्क्रीनिंग हुई थी तब ओमपुरी जी ने ये फिल्म देखी। अच्छा, देखने के बाद उन्होंने उनके बहुत मतलब भाव विभोर थे, वो उन्होंने जेब से 1,000 रुपये निकाल के उनके हाथ में दिए। कहते रजत मैं यह इतनी अच्छी फिल्म फ्री में नहीं देखना चाहूँगा। वाह, तो वो इस तरीके के सभी लोगों ने देखा और लास्ट में सबके यही व्यूज़ होते थे कि यार बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। और क्रिटिक्स ने तो उसको बहुत ज़्यादा सराहा था, और तो बाद में जब लोगों ने देखना शुरू किया नेट पर तो फिर तो माउथ पब्लिसिटी बहुत हुई। सही बात, मैं और रजत हम लोग वहाँ अपना जो गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी है यहाँ द्वारिका में आईपी, तो गुरु गोविंद या गुरु तेग बहादुर कुछ ऐसे ही है, आईपी कॉलेज है, वहाँ पर हम लोग गए थे बच्चों के साथ। हमारा इंट्रैक्शन था इंग्लिश ऑनर्स के, वो वहाँ पे थिएटर भी पढ़ाते, उन्होंने वहाँ अपने आशुतोष जी हैं। अच्छा, उन्होंने थिएटर इंट्रोड्यूस किया था वहाँ, बच्चा बहुत ही अच्छा नई नई सोच लेकर आते हैं, तो थिएटर को बच्चों के साथ, क्योंकि जो नाटक लगे हुए हैं ना शेक्सपियर के इंग्लिश ऑनर्स में, तो उसको उन्होंने कहा कि क्यों ना यहाँ खेला जाए, इनको थिएटर से रूबरू कराया जाए, पढ़ने से क्या साथ में करें भी। हाँ। थिएटर को समझे भी, नाटक को समझे बच्चे, तो उस पर आंखों देखी भी चर्चा के लिए बुलाया गया था मुझे और रजत को। तो उस टाइम मैंने उनसे कहा भी था, हमारी बात हुई थी, बच्चों ने बहुत रिसर्च की थी उसके ऊपर, लिखा भी था बहुत सारी चीज़ें। तो उस समय मैंने जब कहा कि इसको आप रिलीज़ कीजिए एक बार फिर से, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, कहते कि लोग चाह तो रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन अब इतनी देख चुके हैं कि ये रिलीज करके हॉल में कोई नहीं आया, पैसा खर्च करके मिल गया है। हाँ, तो लेकिन उसके जरिए हमें और भी बहुत सारी चीजें मिली, दम लगा के हिशा ठीक मैं कह रहा था, वो शाखा बाबू को जिस तरह से आपने मतलब उसमें उतारा है, बल्कि आपने कहीं कहा भी है, जो मैंने अभी आपसे सवाल भी किया, तो अगर आप अपने तौर पर उस कैरेक्टर या उस किरदार के बारे में थोड़ी सी बात करें। शाखा बाबू वही बात है,
आंखों देखी की बात, क्योंकि आंखों देखी में रजत कपूर डायरेक्टर थे, तो वहीं पर मुलाकात हुई थी हमारी लास्ट सीन में, शादी वाले सीन में, रजत ये शरद कटारिया से, तो शरद कटारिया उसमें आए थे, वो शरद का एक छोटा सा सीन भी है जो शादी में है। वहीं शरद उस दौरान लिख रहे थे इस फिल्म को, और तब अंकुर जो मैंने बताया ना, अंकुर उसमें ईपी थे दम लगा गया ईशा में, यशराज में, तो अंकुर ने मेरा नाम लिया शाखा पापू के लिए। पहले ये ब्रजेंद्र काला जी कर रहे थे। अच्छा। तो शायद कोई बात हुई उन पर, टाइम नहीं होगा या कुछ ऐसा, तो बाद में फिर मुझे कहा गया, उन्होंने कहा कि श्रीकांत को ट्राई करते हैं, तो मुझे अंकुर ने कहा कि श्रीकांत आप मुंबई आ सकते हो। मैंने कहा क्या करना है, कहते आप आओ मेरा, तो मुझे बुलाया गया वहाँ। वहाँ मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, इसको शानू शर्मा है जो यशराज की जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके ऑफिस में वहाँ पर हम लोग पहुँचे मिले, तो उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में मुझे बताया, कहते ये एक बार हम इसको ना एक तरह से इसका हमें कैमरे से ये हम सीने करते हैं, मैं इसको वहाँ भेजूँगा शरद के पास और आदित्य के पास, इन लोगों के पास, ये मनीष उसके वो थे प्रोड्यूसर थे उसके, तो इन लोगों को दिखाना था, तो उन वो सीन हमने किया, वो एक बैठे हुए हैं ऐसे, वो कपाल भाती करते हुए और बात कर रहा है उससे, वो तो ये मैंने डिजाइन किया। मैंने यार वो क्या था कि उसमें था कि पार्क में घूमते घूमते बात कर रहे हैं, मैंने कहा यार मैं तो मैंने ऑडिशन में ही ऑडिशन टाइप का ही था एक तरह से, मैंने बैठ गया, मैंने कहा ऐसे करते हैं इनको, ठीक है, मैंने वो बात कर रहा हूँ और उससे कपाल भाती करते हुए, तो वो कहता है कि वो ऐसे ऐसे शादी ना करनी मुझे, तो ठीक है भाग जा। वो बातें ही हो रही है और वो योगा भी कर रहे हैं, तो एक फनी सी सिचुएशन लगी वो, तो बड़ा खुश हुआ वो अंकुर। अंकुर ने शूट किया उसे, करने के बाद कहते श्रीकांत जी हरिद्वार में मिल रहे हैं सीधे। ओके, तो फिर मेरा क्या है ना, मैं कोई भी जब तक कैरेक्टर तो मेरे पास आता है तो मेरा मेरे जहन में चलता रहता है वो। आप उस पर काम करने लगते हैं? काम मैं पहले दिन से मैं चालू हो जाता हूँ, कैसे क्या होगा, नई चीज़ें कुछ उसमें ऐड करना होता है, तो वो मेरा चलता रहता है। वो उस कैरेक्टर जब मैं फर्स्ट डे पहुँचा हरिद्वार में, तो जिस होटल में ठहरा था उधर से मैं होटल के पास था, उधर से मिश्रा जी आ रहे थे रिक्शे में, ई रिक्शे में, तो थोड़ा अरे भाई क्या हाल है, मैंने बढ़िया सर, कौन सा कर रहे हो, मैंने वो शाखा बाबू, बहुत बढ़िया है वो, उनका मेहनत से करना उसे, बहुत बढ़िया श्रीकांत, तो उन्होंने पहले ही मुझे ये चीज़ बताई थी, और मेरे दिमाग में आ गया हाँ नहीं यार इसको अच्छा करना है। क्या होता है कि आपके पास मौके हमेशा नहीं आते, जब आए तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए मौके। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी कैरेक्टर हो उसको आप कैजुअली मत लीजिए, आप कीजिए, ये ऐसी विधा है सिनेमा कहीं भी, और एक तो ये सालों साल एक छप गया, लेजेंडरी हो जाता है वो। अगर आपने कुछ कर दिया कोई अच्छा, तो एक तरह से वो कई सालों तक देखा जाता है और कितने ही लोग देखते हैं, दुनिया भर में देखी जाती है वो चीज़, तो आपका काम बोलता है। अगर आपने अच्छा किया तो अच्छा दिखेगा, अच्छा लोग कहेंगे, बुरा किया तो फिर कहीं आप टिक नहीं पाएंगे, इसलिए अपने काम से ईमानदारी होनी चाहिए। तो मैंने उस कैरेक्टर को मैंने उसी रात पूरी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, पूरा सब चीज़ें मैंने देखा कहाँ क्या हो सकता है। तो मेरा एक सीन था जब हम लोग वहाँ शाखा जब शुरू होती है उसमें वो ना कि चप्पल मारता है बंदा शाखा, तो जैसे चप्पल मारते वैसे ही वहाँ एक शाखा का वो शुरू हो जाती है प्रार्थना। मैं शाखा से जुड़ा हुआ था, मतलब शाखा मतलब ओरिजिनल जो RSS की थी। अच्छा। क्योंकि मेरा जो स्कूल था ना DAV स्कूल, वो हिंदू शिक्षा समिति के द्वारा चलाया जाता था और कुरुक्षेत्र से, और वो संघ के ही लोग हुआ करते थे उसमें,
बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत संस्कारी वो था वो चीज़ें, तो वहीं पे शाखा भी लगा करती थी, तो वो सब देखा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे तो हम लोग चले जाते खेलते थे वहाँ पे, बहुत खेलने को मिलता था। तो शाखा में एक प्रार्थना हुआ करती थी, वो ऐसे हाथ रख के ध्वज होता था, तो उसमें था कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पदत्पयिषिकायो नमस्ते नमस्ते, तो ये उसकी लय थी और शब्द थे। वो शब्दों को मैंने हटा दिया, लय को ले लिया कि नमस्ते सदा उन महापुरुषों को करते जिन्होंने दिया ज्ञान जीवन का हमको। तो मेरे कैरेक्टर में क्या था कि वो महापुरुषों की बातें कर रहा है, वो बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा है उसे कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो कहा शादी कर लेगा तो वो तो बंधन में बन जाएगा, तो नहीं कुछ कर पाएगा, तो उसको और खुद शादी करके बैठा है और मोटा है मगर एक्सरसाइज की बातें कर रहा है, योग करवा रहा है, और उल्टी है उसकी हर बातें। तो यहाँ वो प्रार्थना भी मैंने उन्हीं चीजों को जोड़ के, ये मैंने किया एक रात पहले, मैं जगा रहा, मैंने क्या करें यार, शुरुआत कैसे की जाए। तो मैंने कुछ ये प्रार्थना लिख दी, लिखने के बाद मैं जब सुबह जब हम लोग जा रहे थे शूट पर, सुबह सुबह तो नाश्ता हम लोग किया होटल में, हमने वो शरद कटारिया में हम एक ही होटल में थे उस, तो साथ ही हम लोग एक साथ निकले गाड़ी से। मैंने शरद हाँ, मैंने कहा मैंने कुछ लिखा है, वो जरा दिखाता हूँ मैं आपको, मैं सोच रहा हूँ कि इसको जोड़ दूँ। अच्छा देखा, ये बताइए क्या है। मैंने ऐसे सही है, अच्छा अच्छा चलो देखते हैं। शरद के दिमाग में वो चीज़ आ गई थी, वहाँ पर उन्होंने अच्छा श्रीकांत जी वो जरा उसको कीजिए, तो मैंने ठीक है वो मैंने कहा हमने ऐसा करेंगे, स्टार्टिंग प्रार्थना से करेंगे, फिर उसके बाद फिर बाकी की चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, कहते ठीक है। तो वो सेट बैठ गया, यहीं से मुझे कैरेक्टर भी मिलना, तो सब चीज़ें कैरी होती गई होती गई। फिर उस एक धागा जब आपके हाथ में आ जाता है सूत्र, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर हम करते रहे करते रहे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ इम्प्रोवाइज भी हुई और कैरेक्टर वो निकल के आया, लोगों ने पसंद किया उसे, बहुत पसंद किया उसे। जी खैर, अब हम थोड़ा सा आखिरी हिस्से की तरफ आ रहे हैं जी। तो मैं लेकिन उसे मतलब OTT की तरफ खासतौर से आने से पहले ज़रा सा हम आपको याद करवा रहे हैं लाल सिंह चड्ढा के बारे में, कि उसकी शायद कास्टिंग भी हो चुकी थी और उसके बाद फिर आप गए थे और फिर आमिर खान के साथ आपका एक मामला, ये सब पर्दे के पीछे की बात है, मैं चाह रहा हूँ जरा सा उसको। वो चीज़ वो लाल सिंह चड्ढा में तो ऐसा था कि मैं उससे मुंबई में था, मुझे सौरभ पल का फ़ोन आया इधर अपने मुकेश छावड़ा कास्टिंग से, उन्होंने कहा कि श्रीकांत जी ऐसे से एक कैरेक्टर है उसको करना है, आप एक छोटा सा वो बना के भेज दीजिए, क्योंकि आमिर का क्या है वो हर किसी का वो ऑडिशन लेते हैं, यहाँ तक कि करीना तक का शायद लिया था, मुझे सुनने में आया था। अच्छा, कि उन तक के लिए कहा था कि इन्हें मुझे एक ऑडिशन चाहिए, और अच्छी भी बात है, ठीक है आप पूरा ईमानदारी से आप पर के ऑडिशन में मैं मानता हूँ ठीक है होना चाहिए, आप भी फ्री हो जाते हैं कि भैया आपने ही हमें लिया है। सही बात है, कई बार क्या होता है कि आपने कह तो दिया कि आप कर रहे हैं, फिर बाद में डायरेक्टर कहता है यार मेरे हिसाब से नहीं हो पा रहा, तो उसमें फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। जब मैंने एक बार करके दिखा दिया आपको तो आपने लिया, समझा, देखा, परखा, फिर लिया ना आपने, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, तो ये एक तरह से बेफिक्र हो जाता है आदमी। मैंने ठीक है मैं करके भेजता हूँ, मैंने एक ऑडिशन करके भेजा, पसंद आ गया उनको, बातचीत पैसों के ऊपर हुई, तो थोड़े से कुछ और भी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें तो उस पर बात नहीं बन पाई थी, मेरे जो मैनेजर हैं उनकी बात हो रही थी वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि सर वो नहीं हो पा रहा, ठीक है चलो कोई नहीं, जो नहीं हो पा रहा था नहीं, उन्होंने किसी और को उस कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया, वो भी बहुत अच्छे कैरेक्टर थे। तो एक महीने उनके साथ शूट भी हुआ, एक महीने बाद फिर मेरे पास फोन आता है कि
श्रीकांत जी डेट्स हैं आपके पास में, आप किसके लिए? कहते लाल सिंह चड्ढा के लिए। मैंने कौन सा कैरेक्टर है? कहते वही वाला। मैंने तो शूट भी चालू हो गया और इतना तो वहाँ मैंने सुना सब शूट कर चुके हैं। कहते हाँ हो चुका है सर, लेकिन ना थोड़ा वो उनको कोविड हो गया है तो इस कारण से वो। मैंने कहा अच्छा, मैं ठीक है फिर आप बात कर लीजिए उनसे। तो बातचीत हुई, फिर उन्होंने फिर मेरी ही शर्त पर उन्होंने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने काम शुरू किया। तो लाल सिंह चड्ढा का शूट शुरू होना था। अब क्या हो रहा था कि आधा शूट वो कर चुके थे जो पहले वाले जो एक्टर थे। सही है। अगर उसके 12 सीन थे तो 6 सीन हो चुके थे। अब मेरे पास तो आधा ही बचा ना, कुछ रहा ही नहीं। तो उन लोगों ने भी ये सोचा कि एक सीनियर कोच बना देंगे और एक जूनियर कोच बना देंगे, जूनियर श्रीकांत जी करेंगे जो बचे हुए सीन से। मैंने ये तो गलत है यार, ये एज एन एक्टर मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है यार। चलो ठीक है जो है उसको भी करते हैं। तो एक फर्स्ट डे जो सीन था मैं गया, मेरे पास जो स्क्रिप्ट आई थी जो सीन आया था मैंने पूरा देख के याद करके तैयार करके मैं चला गया। वहाँ जाकर पता चला ये नहीं दूसरा कर रहे कुछ और। मैंने ये क्या मतलब हुआ? कहते नहीं सर ने, आमिर सर ने कहा कुछ इम्प्रोवाइज करना ये करना। मैंने तो मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए आप, मैं तो कुछ और सीन तैयार करके आया हूँ, जो जो होना था वो चेंज कर दिया आपने। कहते हाँ आप कितना टाइम लेंगे? मैंने भाई 10-15 मिनट तो होने चाहिए। तो आमिर ने वही लिख कर डायलॉग्स उसी समय दिए थे, मुझे ऐसे देख रहे थे वो, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि क्या करेगा क्या नहीं वो। तो अब वो सीन हुआ 15 मिनट बाद, मैंने कहा ठीक है आइए। आमिर के साथ सीन था वो किया मैंने, आमिर को अच्छा लगा। फिर हमने और कुछ सीन्स किए, तो वही वाला जो कहता है कि बाहर मलेरिया फैला हुआ है, मुझे सबसे वो सीन थे, मैं उसको बुलाने आता हूँ। तो उसका आमिर मेरे पास आए, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, उधर से आ रहे थे। उन्होंने कहा हाय, मैं खड़ा हो गया, सर तुम्हें से बात करने का, आपका नाम? मैंने श्रीकांत वर्मा। से अच्छा अच्छा आप कहाँ से? मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा दिल्ली से आप? मैंने हाँ दिल्ली से मैं करता हूँ। आप मुंबई नहीं आए? मैंने नहीं। अरे तो दिल्ली से कैसे सब हो रहा है सर? अब सब चीज़ें अब तो कोई दूरी रही नहीं थी। अच्छा तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत प्यार से बहुत तरीके से बातें हुई हमारे एक दूसरे के बारे में। उन्होंने मेरे बारे में जाना, उनके बारे में तो सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब आपके बारे में भी लोग बहुत बड़े लोग हैं। तो अब उसके बाद दूसरे दिन मुझे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा श्रीकांत जी हाँ हम ना थोड़ा सा चेंज किया हमने। क्या? कहते आमिर कह रहे हैं, क्योंकि आमिर के का ज़्यादातर एक तरह से वही निर्णय लेते हैं क्या करना क्या नहीं। वो कह रहे हैं कि हम सारे सीन्स शूट करेंगे दोबारा जो पहले हो चुके हैं। पहले हो चुके हैं क्यों? कहते वो हम आपके साथ ही करना चाहते हैं, कि उस सारा पूरा आप ही करो। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था, उनको लगा कि हाँ ये कर लेगा। पता है कौन कौन से सीन थे? स्टेडियम के बड़े बड़े स्टेडियम दोबारा हायर किए गए, इतना खर्चा किया उन्होंने, मतलब जो सीन हो चुके स्टेडियम पूरा। हाँ देख चुके हम लोग उसको, भरना वो सब, वो ऑडियंस उस तरह ऑडियंस पूरा दोबारा त्यागराज और ये स्टूडियो लेकर फिर कर रहे हैं। पूरा खर्च तो रीशूट हुए, मोना सिंह का पैकअप हो चुका था, पूरा रैपअप हो चुका था, उनको दोबारा बुला लिया गया एक सीन के लिए। उसमें डाला नहीं था, मेरे ख्याल से शायद कट गया था, लेकिन है वो बहुत अच्छा। तो आमिर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत समझदार इंसान है, इस मामले बहुत अच्छे एक्टर भी है, वो तो है ही है एक्टर। तो एक दूसरी तरह से कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन है एक अच्छे आर्टिस्ट। हाँ, हाँ तो और दूसरा एक चीज़ और थी, ये बाद में फिर हम मेरे इसमें 6-7 सीन कट भी गए थे, उन्होंने नहीं रखा क्योंकि ये जो बायकॉट वायकॉट का जो सब चीज़ें हुई। हाँ मैं उस तरफ आ रहा था कि लाल सिंह चड्ढा को भी बायकॉट का सामना करना पड़ा। हाँ और थोड़ा ट्रेंड भी देखा हमने पिछले दिनों खास तौर से देखा। आप इसको क्यों देख किस तरह देख रहे हैं कि क्या लोग बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी हो गए हैं? क्या है ये मामला कि फिल्में बायकॉट इस तरह से नहीं होती थी पहले? देखिए कम से कम अपील तो नहीं ही होती थी। हाँ मतलब देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि कला के क्षेत्र को थोड़ा सा
छोड़ देना चाहिए इन सब चीज़ों से। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में भी लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए, लेकिन मैं समाज में भी लोगों से भी ये चीज़ मैं कहूँगा कि उसको बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत फर्क पड़ जाए। तो उसमें अच्छे लोग भी मारे जाते हैं, बुरे लोग भी, वो तो है ही, हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके की विचारधारा के लोग हैं। तो विचारधाराएं जहाँ इतने लोग होंगे, जैसे कहते ना कि जहाँ बर्तन होंगे वो तो खड़केंगे, और जहाँ इतने धर्म, इतने संप्रदाय हैं, इतने कहेंगे कि विचारधाराएं इतनी हैं यहाँ पर हमारे, तो ये देश चल रहा है ना आपस में ही मिलके चल रहा है, वरना कब का खत्म हो चुका होता। तो एक दूसरे की चीजों को लेकर चले, सम्मान देते हुए चले। मैं यही कहूंगा कि बायकॉट इसका कोई रास्ता नहीं है। हमें मन के अंदर डालना है लोगों के, इंडस्ट्री के भी लोगों के अंदर मन के अंदर डालना। बायकॉट कर करके हम क्या कर लेंगे उसमें, उससे उससे रास्ता नहीं मिल पाएगा। मनों को चेंज करना है कि हमें किसी की भावना को आहत नहीं करना। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि एक बायकॉट से या किसी एक फिल्म के फ्लॉप होने से पूरी इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है। अगर पैसा नहीं आएगा, पैसा इस तरीके से बर्बाद होगा, तो उससे और भी लोग मारे जाएंगे। काम अगर पैसा नहीं होगा, लोग इन्वेस्टर जो पैसा निकाल लेंगे, तो फिर फिल्में बननी बंद हो जाएंगी, है ना। तो उससे एक बहुत बड़े समुदाय को नुकसान होगा। ओटीटी में भी हमने आपकी एक तरह से यात्रा देखी है, अब वो चाहे मिर्ज़ापुर की बात कर लें, पंचायत की बात कर लें, या अभी रीत की बात कर लें, ये जो एक मतलब नए तरह की दुनिया है, उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया, मैं उस पर बाद में आऊँगा। लेकिन उससे पहले जो हम लोग सुनते रहे हैं या बताया जाता रहा है कि जो सोसाइटी है वही हमारा सिनेमा दिखाता है, या उसका अक्स है या आईना है एक तरह से, लेकिन क्या ओटीटी के आने के बाद ये बात ज़्यादा रियल ओटीटी के लिए हो गई है, या यहाँ इसके लिए ज़्यादा एक तरह से बामानी हो गई है? ओटीटी में बस फ़र्क इतना है कि सिनेमा के ऊपर बंदिशें हैं, सिनेमा के ऊपर एक तरह से टाइमिंग की बंदिश है, सिनेमा के ऊपर बहुत सारी, जैसे अभी बात है कि सेंसरशिप लगती है, तो बहुत सी बातें हम कह नहीं पाते, बहुत सारी बातें हम उसमें जोड़ नहीं पाते, उसे लंबा नहीं, क्योंकि बहुत बात ऐसी होती है जिसको टाइम चाहिए कहने के लिए, तो उसको थोड़े में समेटना होता, तो वो फिल्म में ये सब बंदिशें होती हैं। लेकिन ओटीटी में फ़र्क इतना है कि वहाँ आप कह सकते हो बहुत कुछ, आप एक विस्तृत मतलब रूप में, फिल्म संक्षिप्त है, वो विस्तार है, वो थोड़ा विस्तार है, तो उसमें आप एक, जैसे अभी हमने यशराज की एक फिल्म थी, वो उसको रेलवे मैन, अभी उसका नाम अभी तक तो यही है। अच्छा, ये आने वाली, हाँ, पहली मतलब ये वेब सीरीज है उनकी। ये फिल्म के रूप में ये लोग इसको बनाना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कहने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा था, इसको भोपाल गैस कांड के ऊपर लेकर बनाया गया था। अच्छा, बनाया गया है, तो उसमें वो आप छोटी सी उसमें फिल्म में नहीं कह सकते, उस टाइमिंग में नहीं कह सकते, वो बहुत संवेदनशील और बहुत ही ऐसी घटना थी जो आप ऐसे ही नहीं आप लेके चल सकते। सही बात। तो उसको उन्होंने फिर वेब सीरीज में तब्दील किया, मतलब फिल्मों से भी एक ऑप्शन है इधर आने का। तो उसे भले वो 4 एपिसोड की है, लेकिन उसमें उसको मतलब बातों को कहने के लिए टाइम चाहिए, पूरी कहानी है उसकी। तो इसी तरीके से एक फायदा ये भी है उसमें कि एक्टर्स जितने हैं, पहले क्या होता था फिल्मों में सारा टाइम मेन कैरेक्टर्स, जो हीरो हीरोइन, इन सब लोगों को ही दे दिया जाता था, बाकी जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे या और भी जो आर्टिस्ट थे वो लोग आगे नहीं आ पाते थे। तो क्या था कि जब तक आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जब तक लोग आपके काम को नहीं देखेंगे, तब तक आप लोग आपको जान नहीं पाएंगे कि आप कैसे एक्टर हैं या क्या आपकी रेंज है।
OTT से ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर जो वेब सीरीज बननी शुरू हुई जो बड़ी बड़ी जो लेंथ में, एक तरह से आप ये मान लीजिए कि 4 फिल्में एक साथ हैं, वो तो उसमें आपको काम करने का मौका मिल रहा है, आपको अपने आप को दिखाने का मौका मिल रहा है। अब आप आइए बताइए कि आप क्या हैं लोगों तक, तो लोग नए नए कलाकार आगे आए, नए नए मतलब दर्शकों ने, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, वो लोग मुझे ये चीज़ बताते हैं, कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कितने अच्छे अच्छे कलाकार छिपे हुए हैं, वो सब अब सामने आ रहे हैं वेब सीरीज़ के ज़रिए, और ऐसी एक्टिंग, इस तरीके का जो एक्टिंग पैटर्न चेंज हो गया, वो रियलिस्टिक उसमें पूरा, पहले क्या था कि फिल्मों में थोड़ा सा एग्जैजरेट होता था थोड़ा। आप पता नहीं आप कितना एग्री करेंगे कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा रही है, लोगों ने उसको अपने तौर पर देखा, नोटिस किया, और कोई बहुत जुड़ा भी होगा, उस तरह का भी ऑडियंस होगा, लेकिन OTT शायद आपके भी की मतलब इसमें एक्टिंग लाइफ में वो एक जगह है जहाँ से अब लोग बहुत ज़्यादा मतलब कबूल करने लगे हैं, एकदम पहचानने लगे हैं कि हाँ ये हमारा एक्टर है, ये हमने इस तरह से देखा। मैं मानूंगा इस चीज़ को, मैं अभी तक फिल्म से ही कर रहा था और मैं उस समय थिएटर भी कर रहा था, KOD किंगडम ऑफ ड्रीम्स में मैंने श्रीराम सेंटर से 15 साल तक मैंने वहाँ किया, उसके बाद मैं सीधे मैंने किंगडम ऑफ ड्रीम्स ज्वाइन कर लिया था, वही वाली बात की अपना सर्वाइव के लिए चाहिए था, तो वहाँ पैसा अच्छा था, लेकिन वहाँ एक चीज़ और थी मुझे बहुत जो मिली कि मुझे टाइम मिलता था बाहर काम करने का, वो उसके ज़रिए मैं ये फिल्में और ये सब चीज़ें कर पा रहा था। तो उसी दौरान ये OTT शुरू हुआ था, तब इतना नहीं था, लोग नहीं जानते थे इसको, तब TVF था, TVF के ये सब चीज़ें आती थी उस टाइम पर, TVF एक गोरखपुर करके एक अपनी सीरीज बनाने वाले थे, वो दीपक उसके डायरेक्टर थे और जीतू जितेंद्र उसमें लीड में थे और मैं था, मैं वो और मैं दोनों हम साथ में काम कर रहे थे उसमें, तो बनारस में शूट होना था, 50 से 60 दिन का टाइम था, तो मैंने उसमें मुझे कहा गया कि इस कैरेक्टर के लिए आप चुने गए, तो वेब सीरीज़ में इतनी तब मैं जानता नहीं था क्या है ये, किस तरीके में यार करना है, क्या करें, कर लूँ नहीं करूँ, मैंने पंकज त्रिपाठी को फ़ोन किया। अच्छा। मैंने पंकज जी यार वो ऐसे ऐसे ये है, क्या करना चाहिए, मगर ने कर लो भाई, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छी है, मैं भी कर रहा हूँ इसमें, तो अच्छा यार, लेकिन यार थोड़ा सा पैसों का कम है, नहीं नहीं कर लो, बहुत अच्छा है आप, मैंने फिल्मों की तरह इसका कह रही, वो फिल्मों की तरह ही है, आप कर लो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट मेरी ये होने वाली थी वेब सीरीज, तो ये बाय चांस क्या हुआ, कुछ घटना ऐसी हुई कि ये रुक गई, 2017 की बात है, 17 या 16 की बात है शायद, फिर मैं वही अपने फिल्मों में ही मैं लग गया कि फिल्म सॉरी सब, उसी बीच में राम प्रसाद की 13वीं मैं हाँ। कर रहा था, तो तभी मुझे मिर्ज़ापुर मिली और ब्रीद मिली, ये दोनों एक साथ, तो ब्रीद मेरी फर्स्ट वेब सीरीज थी। अच्छा। जो मैंने की थी, मैं वेब सीरीज इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं सोच रहा था यार अच्छा झिझक थी, एक हाँ झिझक थी कि कुछ ऐसे ही है, कोई सेंसर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, करूँ या नहीं करूँ, उसको अच्छा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो ब्रीद के जब मैंने देखी, जब मुझे वो मिली तो बहुत अच्छी फिल्म वो थी, मतलब सीरीज थी, और आर माधवन थे उसमें, तो मैंने मयंक ने मुझे कहा कि मैं चाह रहा था कि आप इसमें करें, पहली वाली सीरीज सुपरहिट गई थी, वो लोगों ने बहुत सराहा था उसे, तो मैंने उसको हाँ कर दिया, वो किया हमने। उसी बीच मिर्ज़ापुर मिली मुझे, मिर्ज़ापुर भी ये सन 2018 की बात है, तो उसी समय मैं राम प्रसाद की 13वीं भी कर रहा था, फिर साथ साथ पंचायत भी मिल गई, पंचायत मुझे वहाँ TVF की ही थी, TVF वालों ने मुझे कहा कि दीपक ने कहा कि सर वो अच्छा गुल्लक भी मुझे ऑफर हुई थी, लेकिन वो टाइम नहीं था तो मैं नहीं कर पाया था, तो ये पंचायत, मिर्ज़ापुर और अपने ये ब्रीथ, ये इकट्ठे मैंने किए, साथ ही फिर तांडव भी की थी। अच्छा। तो ये सब मैं कर ही
कर रहा था सब, वो भाग दौड़ थी, बहुत बिजी हो गया था। इसी बीच मैंने किंगडम ऑफ ड्रीम्स को भी छोड़ दिया था, छोड़ना पड़ा मुझे। उस समय नहीं पता था कि ये त्रासदी होने वाली है। फिर कोविड का जो आया, कोविड में सब लोग घर बैठ गए। अच्छा, लोग उस समय जानते थे मुझे थोड़ा बहुत, ज़्यादा इतना मतलब बहुत ज़्यादा वैसा कुछ हिट वैसा नहीं हुआ था। कि लॉकडाउन का फायदा ये हुआ कि घर में बैठ के सब लोगों ने देखा और लोग ढूंढ रहे थे कि कुछ मिले मनोरंजन के लिए। और मेरा पंचायत रिलीज हुई वो अमेज़ॉन पे हुई, क्योंकि उस समय पहले नहीं पता था ये किस प्लेटफॉर्म के लिए। पंचायत तो उन्होंने बना ली थी अपने ही, उसमें वो करना चाह रहे थे शायद TVF के, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अमेज़ॉन को दी थी। तो पंचायत आई, पतालोक भी उस टाइम पर आई थी। तो ये मैं पतालोक में नहीं था, लेकिन पतालोक और पंचायत की वजह से वेब सीरीज की तरफ लोगों का ध्यान गया। अब लोगों ने फिर देखनी शुरू की। फिर रिलीज हो गई ब्रीथ इन टू द शैडो। ब्रीथ इन टू द शैडो में मुझे उस साल के फिल्म फेयर OTT का एक शुरू हुआ था, उसमें नॉमिनेट हुआ था। लास्ट फोर तक हम लोग लास्ट में पहुंचे थे लास्ट तक। तो उसमें दिग्गज लोगों के साथ मुझे नॉमिनेट किया गया था। रघुवीर यादव जी थे, राहुल देव थे, अपने ऋषिकेश जोशी थे जो ब्रीद इन टू द शैडो में मेरे साथ थे, प्रकाश जय प्रकाश हम दोनों ही थे। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और वो भी इसी दौरान मिला था मुझे, OTT से ही मिला था। तो फिर रिलीज हुई मिर्ज़ापुर। अब मिर्ज़ापुर में भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, वो तो पहले से ही हिट थी, सुपर हिट थी, सही बात, उसका लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो पंचायत, ब्रीथ, मिर्ज़ापुर, और फिर रिलीज हो गई तांडव। तांडव तो चार पांच जो ये प्रोजेक्ट आए तो काम लोगों ने देखा, और उस टाइम पर देखा जब घर पर बैठे थे। तो आप ये देख लीजिए कि करोड़ों लोग घर पर बैठे हैं और वो एक साथ देख रहे हैं आपको, तो आप उनके दिमाग को छप जाते हैं। सही बात है। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते जाते हैं, तो लोग कहते हैं हाँ ये एक बंदा है, रिकॉग्नाइज होता है कि अरे हाँ ये है, ये उसमें भी था, ये उसमें भी था, ये उसमें भी था। तो और लोगों ने काम सराहा भी। तो उस टाइम पर OTT के जरिए मुझे एक बहुत अच्छी पहचान मिली, लोगों ने मुझे प्यार दिया। तो मतलब ये मानूंगा कि जिस चीज को मैं नकारता था कि मैं नहीं यार OTT नहीं, मैं वेब सीरीज नहीं मैं करूंगा, उसने एक नई दुनिया एक्सप्लोर किया, मुझे एक नई दुनिया से रूबरू करवाया, और लोगों से मेरी जान पहचान इस रूप में हुई, एक एक्टर के रूप में, कि लोगों ने जाना कि मैं भी हूँ इंडस्ट्री में। तो नहीं तो फिल्मों में आप बहुत ज़्यादा बड़े रोल एक साथ नहीं मिल पाते, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। सही बात। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी घटना में बताऊंगा कि JPS साहनी जी गंगाराम के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो वो बहुत अच्छे और जाने माने डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरी मम्मी का इलाज भी किया था, तो वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं मुझे। तो उन्होंने फ़ोन किया था मुझे उस दौरान, श्रीकांत तेरी ब्रीथ देखी मैंने वेब सीरीज, मैंने सर आपने आप एक ऐड तक नहीं देख पाते हैं, आपके इतना टाइम ही नहीं होता है, और आपने एक सीरीज देख ली 12 एपिसोड, कहते यार घर बैठे बैठे क्या करें, अब यही चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे लगा कि उस टाइम पे उन लोगों ने भी देखी जो लोग कभी देखते नहीं। एग्जैक्टली एक वो दर्शक वर्ग भी आपका आया। नहीं तो आप फिल्में आप कीजिए, तो फिल्मों में वही लोग आपको देखते हैं जो लोग जाते हैं, जो लोग फिल्मों के शौकीन होते हैं या जिनके पास टाइम होता है या टाइम निकाल के जो जाते हैं, लेकिन जो लोग जिनके पास टाइम ही नहीं है वो आपके काम को नहीं देख पा रहे, वो उस टाइम पे उस दौरान पे देख रहे हैं। तो वो जो टाइम था जो, और OTT ही था उस समय, फिल्म नहीं चल रही थी, फिल्म का कोई मतलब मनोरंजन के रूप में इसके अलावा और कोई साधन नहीं था।
तो ये तो जैसा अभी हम अतिथि की बात कर रहे हैं, तो फिल्मों को लेके हमारा एक अपना रोमांस रहा है, या हर आदमी का अपना अलग अलग तरह से रहता है कि हम फिल्मों से जुड़ते हैं, चाहे ऑडियंस के तौर पे हो या आप एक एक्टर हैं तो शायद एक एक्टर के तौर पर। लेकिन ये जब से OTT आया है, शायद इसने एक्टर के लिए भी एक नई दुनिया खोली है या देखने वालों के लिए भी खोली है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है इसको लेकर कि इसका आने वाले दिनों में हम इसको किस तरह देखते हैं, क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या ये अलग से अपना कोई वजूद बनाएगा, या उसमें हमारा विश्वास और कितना बढ़ने वाला है, चाहे वो स्टोरी राइटर हों, डायरेक्टर हों, एक्टर हों, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बहुत सारे जानकार लोग जो कहते ना कि आप बहुत दूर की सोचने वाले, वो पहले ही आ गए थे, उनको मालूम था कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो आगे चल के सबका भविष्य वही बनने वाला है, अभी बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाला है क्रांतिकारी रूप में। तो ये शुरू हो चुका था पहले से OTT का, तो जो जिसे आप कहेंगे यूट्यूब पर बहुत छोटे छोटे कुछ फिल्म डाली जाती थी, कुछ छोटे छोटे चीज़ें लोगों ने अपने चैनल्स स्टार्ट किए थे, तो वो छोटे छोटे चैनल्स थे। तो उसी तरीके से कुछ बड़े रूप में ये OTT जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, ये एक चैनल खुले, ये विदेशों में तो पहले से ही चल रहा था, हमारे यहाँ अभी ये लोगों तक पहुंची है चीज। और जो लोग जानते थे, जो यूथ था, यूथ इससे जुड़ा हुआ था, जो कॉलेज के जो बच्चे थे या और भी जो जानते, जो नई जनरेशन जो थी वो OTT से या इंटरनेट से जुड़ी हुई थी। लेकिन हर आम आदमी नहीं जुड़ा था, हर वर्ग का नहीं जुड़ पा रहा था, क्योंकि क्या था कि सिनेमा हमारे यहाँ कितना 100-150 साल पुराना अपना इतिहास है, वो तो हमारे यहाँ मनोरंजन का साधन रहा है सबसे बड़ा, पहला टेलीविजन और सिनेमा। ये हम लोग शुरू से एक तरह से परंपरागत ये रहा है, बिल्कुल। तो उसमें चेंजेस OTT अचानक जो एक बड़ा चेंज आया वो आया कोविड के बाद। ये उससे पहले OTT को ऐसे भविष्य के रूप में नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि लगता शायद टाइम लगता है इसमें, क्योंकि वो आम आदमी तक शायद थोड़ा लेट पहुंचता, लेकिन कोविड ने उसे बहुत जल्दी पहुंचा दिया, क्योंकि सब लोग घर में थे, लोग जो भी थे, बड़े बूढ़े हर वर्ग का जो दर्शक था वो उसे देख रहा था। तो एक नया द्वार खुला लोगों के लिए मनोरंजन का, कि भाई एक तो मतलब लोगों के हाथों में आजकल स्मार्टफोन सब आने के बाद आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें आप ये देखते हैं कि इससे समय बचता है, आप अपना काम कर रहे हैं। आप जब किसी सिनेमा को देखने या किसी फिल्म को देखने जाते हैं तो उसमें आपको 2-2.5 घंटे वो वहाँ बैठना होता है, उसके अलावा आना जाना, फिर आप वो टाइम पूरा दिन निकाल के आप जाते हैं, तो उस दिन या तो छुट्टी हो या आप छुट्टी करें। तब इसमें क्या है कि आप अपनी कोई भी फिल्म या कोई भी वेब सीरीज आप जितना देखा थोड़ा रोक दिया, फिर बाद में किया, अपना काम कर लिया, तो ये आपके हाथ में है। अब इसलिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई और इसने ये क्रांतिकारी बदलाव है और होना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को अगर वो वही चलता रहे तो वो जैसे होता है ना रूढ़ी और परंपरा, तो परंपरा तो होती है जो बदलती रहे, वो तो बहता पानी है नदी का, और जो रूढ़ी होती है वो होता है तालाब का पानी। तो रूढ़ी की तरह ये मनोरंजन भी बन गया था कि देखना सिनेमा देखना या TV, लेकिन ये कुछ बदलाव भी होने चाहिए। तो जो बदलाव बहते पानी की तरह वही है कि मनोरंजन का भी एक तरह से उसे भी नदी की तरह ही है, नए नए आपको साधन मिलेंगे, नई नई चीज़ें, तो उसके रूप में एक ये क्रांतिकारी बदलाव ये हुआ कि OTT के रूप में आपको एक नया और शायद कंटेंट के लेवल पर भी अपने देखने वाले एक अपनी चॉइस है, जिसको पहले आप अश्लील कहते थे, वही चीज है। अभी इस समय देखिए शुरू में क्या हुआ था कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज डालनी पड़ी, कि वो लोग समझते नहीं ना इस चीज को, वो सोचते हैं कि कुछ भी परोस दे, जबकि हमें अपने समाज को भी देखकर चलना चाहिए कि ये हमारा समाज वैसा नहीं, तो हमें कंटेंट भी सोच समझ के डालने चाहिए, और वो
चलते हैं, लोग देखते हैं। अगर आप अच्छे कंटेंट डालेंगे तो वो भी देखेंगे। ये नहीं कि आप वही सेक्स या उस तरीके की चीज़ें परसेंगे तभी लोग देखेंगे। तो ये अब तो हर घर में टीवी पर भी देखा जा रहा है, OTT, पहले फोन में ही देख रहे थे तो वो पूरे परिवार का हो गया है। अब बहुत सारे घरों में तो शायद मेरे ख्याल से वो केबल टीवी या उस टाइप टीवी भी हट चुके हैं। हर चीज़ अब सीरियल भी आप उसमें देखते हैं, YouTube पर भी आप देख सकते हैं या उनके भी चैनल्स हैं। तो इसीलिए इसका भविष्य मुझे लग रहा है यही है। अब भविष्य में यही चीज़ें चलेंगी। लोगों ने अपने आप में बदलाव ले आए हैं सब लोग, अब वो बदल चुके हैं। तभी कोई भी फिल्म अगर आती है तो लोग इंतज़ार करते हैं कि वो OTT पर कब आए। अच्छा, मुझे एक बात आप जो अभी कह रहे हैं उससे एक बात और समझ में आ रही है कि अगर हम सोसाइटी को देख के सिनेमा बनाते हैं या OTT के लिए कुछ कंटेंट रिलीज़ करते हैं, वैसे में क्या कहीं आप समझते हैं कि किसी लिखने वाले की, किसी एक्टर की या किसी डायरेक्टर की जो अपनी आज़ादी होती है अपनी बात को कहने की, उस पर कोई असर पड़ेगा या पाबंदी तो नहीं लगेगा? मतलब हमारी अपनी एक आज़ादी होनी चाहिए, हम ऐसे चीज़ों को देखना। देखिए, आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने समाज की गरिमा को भी लेके चलना चाहिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी कुछ भी कर दें। एक दायरे में रह के ही चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो हो तो अच्छी बात। मतलब दायरा जरूरी है, दायरा जरूर। आप हम हिंदुस्तानी समाज को लेकर चले हैं तो अभी इतने फ्री नहीं हुए हैं लोग। आज भी घरों में हर तरीके की जनरेशन है। नई जनरेशन थोड़ा एक्सेप्ट कर रही है लेकिन पुरानी भी, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हर चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। हमारे सिर्फ एक वर्ग नहीं है। आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं या कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो उसमें एक वर्ग को ध्यान में ना रखते, सभी को लेकर चलते हैं हम लोग। तो मुझे सिर्फ एक और मतलब बात समझनी है आपसे कि फिल्म के लिए तो कहीं ना कहीं हमारे पास सेंसर है जी, जहाँ शायद हम अपने समाज की गरिमा बचाएं, लेकिन क्या OTT से ऐसा पॉसिबल है कि मतलब उसमें तो शायद ऐसा कंटेंट आ सकता है या आया है उसमें वही मैंने कहा ना कि देखने वाले भी समाज का हिस्सा है, बनाने वाले भी हमारे समाज का हिस्सा है। देखिए, बाहर की कोई फिल्म या बाहर के कोई वेब सीरीज आती तो हम उस पर कोई रोक नहीं लगा सकते। अच्छा, इंटरनेट है पूरा विश्वव्यापी, मतलब कोई छोटा इसका दायरा नहीं है इंटरनेट का, तो उस पर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हिंदुस्तान में कोई चीज़ बन रही है तो समाज को लेकर ही सोचकर ही बनानी चाहिए और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बात हम सलीके से भी कह सकते हैं। देखिए, हर चीज़ है, आप कुछ कहते तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही नंगा कर दें, बिल्कुल उगाड़ दें। ढके में भी समझ में आती हैं सब चीज़ें। जैसे मैंने एक फिल्म की थी साई प्राज के साथ, उन्होंने एक सीन था कि मैं एक पुलिस वाला है, वो किसी लड़की को लेकर जाता है, वो था मेरे ख्याल से शायद कॉन्डोम के ऊपर था, जो अपने ट्रक ड्राइवर्स होते ना एड्स को लेकर था जी जी। तो उनको अवेयर करने के लिए था कि किस तरह, तो उसमें एक सीन था बहुत ही प्यारा कि वो एक लड़की को लेकर जा रहा है तो झाड़ियों में गया, उसका दुपट्टा झाड़ी पर है, वो ऐसे खींचता है दुपट्टे को, बस खत्म। तो बहुत ही प्यारे ढंग से उन्होंने बहुत बहुत सलीके से वो एक चीज़ कही। अब उसमें अब वहाँ बिल्कुल खुल के आप अगर कहते हैं दिखाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ समझ होती है, हर कोई समझ जाता है कि हाँ क्या है, उसको दिखाने का एक कलात्मकता किसमें, कलात्मकता उसमें है जो लोग समझ जाएं और वो खूबसूरत लगे, विभत्स ना लगे, महसूस करें। हाँ, उसमें हमें तो वही है कि आप अगर कलाकार हैं तो उसमें कलात्मकता लाइए, उसमें आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए कि किसी बात को खूबसूरती से भी आप कह सकते हैं, ना कि उसको उगाड़ कर या नंगेपन से। आपका अगर मैं ये मतलब आपके तन्हाई की बात करूं, वहाँ आप क्या पढ़ते हैं, किस तरह का साहित्य आपके कोने सिरहाने होता है या नहीं होता है, जो आमतौर से लोग कहते हैं कि अरे एक्टर पढ़ते नहीं है? नहीं नहीं, नहीं, ये चीज़ तो है कि एक्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो मैंने दो किताबें ली थी,
मनु भंडारी जी के, मैं अभी गया था, मैं बता रहा था कि मैं अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए मैं रुका हुआ था, तो जहाँ मैं आश्रम में यहाँ गया सेंटर में, तो वहाँ मैं वो किताबें ही लेकर गया था। अच्छा। क्योंकि मेन तो ये था कि मोबाइल से दूर रहना है, वो स्लीप डिसऑर्डर ये तभी होते हैं ये सब चीज़ें जो मोबाइल हमारे हाथ में आ गया, सो नहीं रहे हम लोग। पहले क्या होता था, किताबें लेके हम पढ़ते थे तो नींद आ जाती थी, खुमारी में चले गए, रख देते थे। तो उस वो किताब क्या है कि आप एज एन एक्टर आपको एक विजुअल देती है, आपको एक, आप जब पढ़ते हैं कोई उपन्यास या कोई कहानी तो उसमें एक विजुअल्स क्रिएट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत के लिए तशरीफ लाए। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।